We'll be right back.
तो देवी और सज्जनों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से बात कर ली जाए DN4 e-sports चैनल पे। गाइस जो भी लोग चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं, मेक श्योर टू हिट गाइस इस टीम को, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गाइस हियर इज योर कास्टर फॉर द डे। गाइस कास्टर नेम रहेगा रशर, एंड इफ यू गाइस एंजॉय द कास्टिंग तो गाइस प्लीज इस टीम को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए बात करते हैं एक कमाल के इवेंट की जो निकल कर आ रहा है DN4 e-sports की तरफ से, ब्लेजिंग कप सीजन 2। पहला सीजन हम सब ने विटनेस करा था, क्या कमाल का टफ कंपटीशन देखने को मिला था। DN4 ई-स्पोर्ट्स ब्लेजिंग कप सीजन 2 प्रेजेंटेड बाय DN4 ई-स्पोर्ट्स एंड मैनेज्ड बाय MKT। प्राइस पूल रहेगा 50,000 रुपीस का, एक मैसिव प्राइस पूल रहने वाला है। बात कर लीजिए, दो दिन चलेगा, 7-8 यहां पर रहने वाले, आज 7 है, 3 मैचेस बैक टू बैक रहेंगे 2 डेज तक, एंड 2 PM, 2 minutes and 5 PM ये जो ये मैच है यहाँ पर स्टार्ट होगा। 2 PM 5 minutes के बाद ये जो एक्शन है यहाँ पर स्टार्ट होते हुए नजर आने वाले। प्राइस पूल रहेगा गाइस 50,000 रुपीज का। एंड अगर बात कर ले कौन सी आपकी जो फेवरेट टीम्स है हमारे साथ जुड़ती हुई नजर आ रही है, कौन सी वो फेवरेट टीम्स रहेंगी जिसका हमको यहाँ पर जो सपोर्ट है देखने को मिलेगा। बट बात करें टीम BI अर्थर की तरफ से, यहाँ पर जो टीम है यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, लोल्स देखने को मिल जाएंगे, क्रॉन्टन खेलते हुए नजर आएंगे, उजेर दिखाई देंगे, ध्रुव XT अभी क्लबर, ध्रुव YT दिखाई देंगे। तो टीम BI यहाँ पर बात कर ली जाए कंप्लीटली यहाँ पर जो ज्वाइन यहाँ पर करती हुई नजर आने वाली है। स्लॉट नंबर 4 की अगर यहाँ पर बात कर ली जाए, माया गेमिंग के प्लेयर्स यहाँ पर आ जाएंगे। एंड फिलहाल स्लॉट नंबर 5 की अगर यहाँ पर बात कर ली जाए, ट्रू गेमिंग के प्लेयर्स रहने वाले। स्लॉट नंबर 6 विद एन टीम घोस्ट OP के प्लेयर्स फिलहाल अभी यहाँ पर तैनात दिखाई देंगे। स्लॉट नंबर 7 कंप्लीटली यहाँ पर क्रिएटिव पवन की टीम जो यहाँ पर नहीं है। स्लॉट नंबर 8 की अगर यहाँ पर बात करें, टीम मेगा बॉय गेमिंग के प्लेयर्स दिखाई देने वाले। स्लॉट नंबर 9 विद एन टीम NSG हर्ष के प्लेयर्स स्लॉट नंबर 9 में टू मैन सीनेरियोस के साथ है। आई होप सो कि यहाँ पर बचे हुए जितने भी 2 प्लेयर्स हैं वो यहाँ पर ज्वाइन कर लें और एक बेहतरीन मैच अपने लिए बना पाए। स्लॉट नंबर 10 की अगर यहाँ पर बात करी जाए, टीम वांटेड गेमिंग के प्लेयर्स फिलहाल ही यहाँ पर खेलते हुए नजर आने वाले। स्लॉट नंबर 11 विद एन अर्सी गेमिंग अभी यहाँ पर फिलहाल देखने को मिल जाने वाले। स्लॉट नंबर 12 की अगर यहाँ पर बात करें, डोमिनिक देखने को मिलेंगे। स्लॉट नंबर 13 ब्लैक कैट के प्लेयर्स देखने को मिल जाने वाले हैं। स्लॉट नंबर 14 की अगर यहाँ पर बात कर ली जाए, टीम गन शॉट के प्लेयर्स अभी भी यहाँ पर फिलहाल जो है विटनेस करने को मिलेंगे। स्लॉट नंबर 15 विद एन टीम प्रथमेश गेमिंग के प्लेयर्स देखने को मिल जाएंगे। स्लॉट नंबर 16 की अगर यहाँ पर बात करें, टीम क्लच गेमिंग के प्लेयर्स देखने को मिल जाएंगे। स्लॉट नंबर 17 विद एन टीम क्लच गेमिंग के प्लेयर्स है। स्लॉट नंबर 16 यहाँ पर रहेंगे टीम INS युवा के प्लेयर्स रहने वाले। स्लॉट नंबर 18 की यहाँ पर अगर बात करी जाए, टीम बाला YT के प्लेयर्स देखने को मिल जाएंगे। मयंक क्रेगजी थंडर एंड सिंह यहाँ पर बहुत ज्यादा बेहतरीन टीम है। स्लॉट नंबर 19 विद एन टीम रिप्सी गेमिंग फिलहाल में अभी यहाँ पर इस मैच में आगे बढ़ेंगे। रिप्सी गेमिंग के प्लेयर्स 4 मैन सीनारियोस के साथ ज्वाइन हो चुके हैं ऑन टाइम, और अब ये जो मैच है किसी भी क्षण किसी भी टाइम यहाँ पर स्टार्ट हो सकता है। एंड अगर बात करी जाए स्लॉट नंबर 20 की, तो टीम रॉक 2 OP अभी के लिए यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। गाइस मैं देखना चाहता हूँ चैट सेक्शन में आपका गाइस किसका सबसे ज्यादा जो सपोर्ट है देखने को मिल रहा है। सो गाइस मेक श्योर टू हिट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर स्लॉट नंबर 23 की बात करें, टीम MEC के प्लेयर्स देखने को मिल जाने वाले। मैक्स एक्सकर्श देखने को मिलेंगे, कोविड देखने को मिलेंगे, अमृत एंड गेमर YT एंड ऑन टू द अनदर साइड स्लॉट नंबर 24 टीम DN4 e-sports के प्लेयर्स एस्ट्रिक्स जेनोगॉड ES स्प्रे एंड इटाची अभी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। एंड स्लॉट नंबर 25 ऑन टीम XPO के प्लेयर्स बिल्कुल यहाँ पर गाइस बात कर लीजिए 2:05 ये मैच स्टार्ट होने का टाइम था और ऑलरेडी एक ऑन पॉइंट यहाँ पर जो स्टार्ट हुआ। एंड गाइस बैक टू बैक 3 मैचेस है। आप लोग चैट सेक्शन में यहाँ पर जो रेड हर्ट्स है यहाँ पर स्पैम करते रहिए, और जिसको भी आप लोग देखना चाहते हो सबसे ज्यादा देखिए रेड हर्ट्स के साथ स्पैम होगा उसी टीम को यहाँ पर बहुत ज्यादा विटनेस करा जाने वाला है। बट मेरी निगाहें स्पेशली एक टीम के ऊपर रहने वाली है, जो टीम रहेगी टीम BI अर्थ, और यहाँ पर टीम क्वाड के प्लेयर्स बोल सकते हैं, जहां पर हमको क्रॉन्टन देखने को मिलेंगे, उजेर देखने को मिल जाएंगे, लोल्स एंड ड्रोव XT यहाँ पर फिलहाल तैनात दिखाई देंगे। ऑलरेडी यहाँ पर मैं गाइस पूरी की पूरी जो लॉबी है वो विटनेस करा चुका हूँ, बट एक बार फिर से आप लोग यहां पर जो निगाहें डाल लीजिएगा इस फटाफट से ये क्राउंटन की आईडी पे जाओ। भाई क्राउंटन की आईडी पे अब मैं नहीं जा सकता क्योंकि भाई अब जो मैच है वो कहीं ना कहीं स्टार्ट हो चुका है मेरे दोस्त। तो आप लोग इस टीम को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड फटाफट से मैं सभी टीम्स को एक बार वापस से स्क्रोल डाउन करवा देता हूँ। गाइस जो भी लोगों की जो भी आपकी देखिए फेवरेट टीम हो तो आप रेड हर्ट्स स्पैम के साथ इस मैच में आगे बढ़ते रहिए और बेहतरीन तरीके से आई होप कि मैं आपको कास्टिंग करके दूं और आपको मजा आए उस कास्टिंग में। गाइस थोड़ा बढ़ से जाना, स्ट्रीम को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। जो भी लोग गाइस देखिए 20 के 20 लोग देख रहे हैं, मेक श्योर टू इट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। 3,000 सब्सक्राइबर्स के कहीं ना कहीं हम लोग बहुत ज्यादा क्लोज में है।
तो चलिए गाइस बढ़ते हैं यहाँ पर फर्स्ट अभी मैच की तरफ, यहाँ पर ऑक्स बैटल के रीजन की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं। यहाँ पर फटाफट से ब्लेजिंग कप सीजन 2 यहाँ पर रहेगा और इजी यहाँ पर फिलहाल किसी के लिए भी नहीं रहने वाला, किसी भी टीम के लिए हेल्दी कंपटीशन देखने को मिलेगा। बट अगर फ्लाइंग पाथ के पायलट की बात करें, क्रॉन्टन अभी के लिए यहाँ पर, ध्रुव एक्सट्रीम यहाँ पर रहेंगे पायलट, और अभी के लिए जो फ्लाइंग पाथ स्टार्ट होता है वो नजर आएगा कंप्लीटली एक शूटिंग रेंज है। सबवर्नी के रीजन की तरफ से फ्लाइंग पाथ स्टार्ट होगा, रोजोव के रीजन को कवर अप करेगा, माल्टा एट द एंड यहाँ पर नोवर एपनॉय के रीजन की तरफ यहाँ पर फिनिश ऑफ होता हुआ नजर आ सकता है। तो कंप्लीटली यहाँ पर बोला जाएगा एक नॉर्दर्न टू सदर्न फ्लाइंग पाथ अभी के यहाँ पर हमको विटनेस करने को मिल रहा है। बट इन द एंड यहाँ पर एक थोड़ा सा ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द रीजंस की तरफ ज्यादा यहां पर फेवर करेगा ये फ्लाइंग पाथ। तो इजी यहां पर वैसे तो काफी सारे अच्छे रीजंस है, ड्रॉप डाउन इन द बाउंस अप, जॉर्ज पुल कंटेनर्स, यास्नाया मेंशन, स्टाइल पर लिपो का प्रिजन, मिल्टा बाबा, नोवर अपना तक मीनवाइल जा सकते हो। बट एक जो ट्रायंगल बनेगा क्वेरी फेरी पिरन पे मॉस्क, एक वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द रीजंस की तरफ जो भी टीम जाकर अपना प्राइम लीड को कंप्लीट आउट करना चाहती है उनके लिए थोड़ी सी ये जो मुश्किलात है बढ़ाएगा फ्लाइंग पाथ। बट लेट्स सी, हम लोगों ने बहुत टाइम से विटनेस कर रहे हैं कि जो ये फ्लाइंग पाथ के अपोजिट जा रहा है, फ्लाइंग पाथ अपोजिट जा रहा है जोन, क्या हमको एक साउथ वेस्टर्न जोन विटनेस करने को मिलेगा। बट लेट्स सी, अगर एक साउथ वेस्टर्न जोन क्वेरी फेरी पेरन पे मॉस के रीजन की तरफ का देखने को मिलता है तो टीम्स के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल बढ़ने वाली है। बट जितना ज्यादा टीम्स के लिए, प्लेयर्स के लिए मुशक्कत होगी उतना ही ज्यादा आपको भी जो इंटरेस्टिंग है ये बैटल देखने को मिलेगा। एंड गाइस आपका नेम क्या है? कृष्णा भाई, मेरा नेम है रशर। बट आपकी अगर बात कर ली जाए कंप्लीटली अभी के लिए एक सदन पार्ट्स ऑफ द रीजंस के ये जोन जो है फेवर आउट करता हुआ नजर आएगा। बट अगर बात करें टीम जॉर्ज पुल कंटेनर्स की तरफ तो मल्टीपल नंबर ऑफ टीम्स जो अभी यहाँ पर जो रोटेशंस यहाँ पर करती हुई नजर आएगी। बट DN4 या इस स्प्रे के ऊपर अभी के पर टीम बाला वाईटी की तरफ से यहाँ पर जो स्प्रेस यहाँ पर करे गए हैं। बट इन द एंड यहाँ पर फिलहाल देखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा क्लोजिंग विसिनिटीज से टीम MAC के प्लेयर्स भी अभी के पर जो फिलहाल ही में रोटेशन करते हुए नजर आ रहे हैं। बट कंप्लीटली मल्टीपल नंबर ऑफ टीम्स यहाँ पर ऐसी रहेंगी जो यहाँ पर आउटसाइड ऑफ द जोन रहेंगे। बट एज ऑफ नाउ यहाँ पर टीम K3R के प्लेयर्स KD404 अभी भी यहाँ पर देखने को मिल जाने वाले हैं। बात करें यहाँ पर मिकाई की तो 404 यहाँ पर AKM डबल AKM के साथ इस मैच में आगे बढ़ेंगे। टीम रोग्यू के प्लेयर्स अभी के लिए कंप्लीटली अपनी जो है प्राइमरी लूट के डिसेंट लूट को यहाँ पर कंफर्मेशन यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। एंड भाई फटाफट से जाओ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। बट इनके बहुत ज्यादा क्लोजिंग विसिनिटीज में फ्लेक्स स्क्वाड ऑलरेडी यहाँ पर तैनात है। क्या इनकी पोजिशनिंग यहाँ पर मालूम है? आई थिंक सो, जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर जो पोजिशनिंग यहाँ पर मालूम है एंड एज वेल एज यहाँ पर हंट डाउन करने के लिए यहाँ पर क्या कुछ फर्स्ट ब्लड हमको यहाँ पर जल्दी के रीजन देखने को मिल जाएंगे। जी हाँ बिल्कुल, फ्लेक्स ने यहाँ पर एक प्लेयर को टेक डाउन करा जरूर है। बट ऑन टू द अनदर साइड रोग्यू के द्वारा कुछ ऑन पॉइंट कवर फायर आएगा एंड दैट्स अ टीम वर्क कमिंग फ्रॉम द रोग्यू। एंड अभी के लिए फ्लैक्स फ्लेक्स गॉड की जो मुश्किल आट है वो एक एक करके जो है ना बहुत ज्यादा यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। बहुत ज्यादा यहाँ पर मुश्किल आट में डालेंगे यहाँ पर फ्लेक्स गॉड। और नाउ दिस टाइम आई थिंक सो टीम DESX के प्लेयर्स यहाँ पर इन द अर्ली स्टेज ऑफ द मैचेस में यहाँ पर कैजुअलिटीज यहाँ पर फेस कर रहे हैं। और बिल्कुल जब आप अर्ली स्टेज ऑफ द मैचेस में एलिमिनेट होते हो ना थोड़ी सी जो मुश्किल आट है कहीं ना कहीं बढ़ जाती है क्योंकि वो आपको इन द एंड में प्लेयर्स भी लौटी। BGMI एक ऐसा गेम है, सर्वाइवल का गेम है, आप जितना ज्यादा फोर मैन सिनेरियोस के साथ सर्वाइवल करते हो उतनी ज्यादा चिकन डिनर लेने के और फर्स्ट आने के #1 के आपको आइडियल कंटेंडर आप बनते जाते हो। एंड बात करें टीम NSGers into be in trouble right now क्योंकि completely flex squad को in the early stages of the matches में यहाँ पर lose out कर चुके हैं। but look at the zone completely multiple number of teams अभी भी यहाँ पर outside of the zone है। but बात करें the heart of Erangel बिल्कुल पोचिंगी के regions की अगर यहाँ पर बात कर लीजिए, Omega अभी भी यहाँ पर DP के साथ M16F4 के साथ जो अपनी primary loot है complete out करने का जो try out है कर रहे हैं। but अभी के लिए सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि इनके पास कोई चैलेंज नहीं है, कोई भी टीम ऐसी नहीं है जो चैलेंज करने आई हो, आराम से अपनी primary loot को complete out करे जा सकते हैं। बट स्कूल के regions की तरफ ये जो fights है शीट्स यहां पर होती हुई नजर आ रही है। टीम INSUA के प्लेयर्स को फटाफट से यहां पर जो रिवाइवल से चाहिए रहने वाले टीम नंबर बात कर लीजिए 7 यहाँ पर टीम क्रिएटिव पवन थोड़ा सा अपने आप को मुश्किल लाट में पाएंगे क्योंकि टेक डाउन हो चुके हैं यहाँ पर A7 की आई। बट हितेन YT बिंग द नाउ सोलो प्लेयर स्टैंडिंग फॉर द टीम राइट नाउ कैन ही एबल टू दिस सर्वाइविंग। अब अगर इनसे अगर यहाँ पर बात कर लीजिए कोई भी गलती की जो गुंजाइश है यहाँ पर बची नहीं है, बिल्कुल यहाँ पर बात कर लीजिए कोई भी अब अगर गलती की जो गुंजाइश है तो मुश्किलात यहाँ पर बढ़ जाती है। निंजा ओपी मेरे भाई वेलकम टू द स्ट्रीम।
एंड बात करें यहाँ पर, क्योंकि जब आप एक सोलो प्लेयर बसते हो ना तो मुश्किल थोड़ी सी बढ़ जाती, बट उजेर ऑन टू द अनदर हैंड एक बार वापस से टेक डाउन निकालेंगे, मुश्किल में यहाँ पर डालेंगे टीम डी एन फो ई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स को। गॉड अलोन्स की बात कर ली जाए, थोड़ा सा आइसोलेटेड अपने टीम मेट से, ईजी यहाँ पर नहीं रहने वाला यहाँ पर किसी भी टीम के लिए, और खासकर जब आप एक बी आई जैसी टीम के साथ जब फाइट्स इंगेज करते हो तो मुश्किल तो देखिए बढ़ेगी। और ये फाइट अब यहाँ से 3v4 के सीनारियोज में जो टेबल है टर्न ले चुकी है, जरूर थोड़ा सा टीम डी एन फो ई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स टफ टाइम जरूर कहीं ना कहीं डील आउट कर रहे हैं, बट लेट्स सी देखते हैं हाउ कैन इट्स कम। बिल्कुल देखिए किसी भी टाइम यहाँ पर जो टेबल है वो टर्न्स करना जानती है टीम डी एन फो के प्लेयर्स, बट नॉट दिस टाइम लोल्स के साथ इफ आई एम नॉट रॉन्ग यहाँ पर एक 1v1 का जो सीनारियो यहाँ पर बन सकता है। बिल्कुल यहाँ पर स्प्रे डाउन करा जा रहा है लोल्स के ऊपर ई एस स्प्रे के द्वारा, अपने नाम को जस्टिफाई करने का जो प्रयास यहाँ पर करेंगे, बट लोल्स के द्वारा एक शानदार स्प्रे जाएगा। यस लोल्स कमिंग विद सम ब्यूटीफुल स्प्रे एंड अभी के लिए यहाँ पर जो टेक डाउन है करते हुए नजर आ रहे हैं, स्प्रे को अभी के लिए फिलहाल यहाँ पर टेक डाउन कर दिया जाने वाला है। सो नाउ दिस टाइम टीम DN4 डाउन टू टू एंड कैन एबल टू क्लच इट आउट। बिल्कुल यहाँ पर बात कर लीजिए स्प्रे भी टेक डाउन है, जेनो गॉड की बात कर लीजिए, एस्ट्रिक्स बीइंग द नाउ डुओ प्लस अटेंडिंग फॉर द टीम। क्या ये डुओ अब यहाँ से अपनी टीम के लिए कितनी ज्यादा देर तक ये जो सर्वाइवल पॉइंट्स है वो निकालने में सक्षम रहेगा। 2v4 का सिनेरियो है, इजी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है। लोल्स अभी भी देखिए एक ऑफ गार्ड एंगल यहाँ पर क्रिएट कर चुके हैं, एक डिसेंट ऑफ गार्ड एंगल्स यहाँ पर क्रिएट करे जा रहे हैं। अगर अब यहाँ से एस्ट्रिक्स या फिर जेनो गॉड कोई भी हल्का सा भी ओपन में आते हैं, देन आई एम डेफिनेटली श्योर यहाँ पर जो मुश्किल आट है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है टीम DN4 के प्लेयर्स की। और हॉस्पिटल के रीजन में इन द अर्ली फेज ऑफ द मैचेस में मल्टीपल नंबर ऑफ फाइट्स यहाँ पर जो हैपनिंग यहाँ पर होती हुई नजर आई। क्रॉन्टन अभी फिलहाल अपनी व्हीकल के साथ कुछ ऑफ गार्ड एंगल एंड कुछ डिसेंट एंगल्स यहाँ पर जो है बनाने का क्रिएट कर रहे हैं, बट वापस से जिस कंपाउंड को छोड़ा था वापस उधर भी आके जो अपनी प्राइम लूट्स वहाँ पर होल्ड आउट करेंगे, क्योंकि उनको भी मालूम है ओपन सीनारियोज में लूटना आपके लिए भी, ओपन सीनारियोज में बहुत ज़्यादा देर तक रुकना आपके लिए भी मुश्किलात बढ़ा सकता है, क्योंकि किसी भी टाइम पीछे से थर्ड पार्टी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। बट लोल्स को अभी के लिए स्ट्रिक्स के द्वारा कुछ ऑन पॉइंट स्प्रेस जाएंगे एंड लोल्स फिलहाल ही में यहाँ पर टेक डाउन है। सो नॉट दिस टाइम आई वुड से यहाँ पर कितनी जल्दी रिवाइवल मिलता है, दैट्स इट्स गोइंग टू बी एंड क्रूशियल बैक टू बैक अगला स्प्रेस आ रहा है। ये देखिए पीछे थर्ड पार्टी की बात कर रहा था और अभी के लिए फिलहाल वो थर्ड पार्टी मतलब टीम बाला वाइटी की तरफ से यहां पर आती हुई नजर आ रही है। क्या सिंह अपने आप को एक एनक्लोजर करने के लिए देख रहे हैं? जी नहीं, बट अभी तो फिलहाल अपने आप को एक स्क्वाड हाउस के एक सेफ्टी कुशंस में यहां पर रुक लिया, बट आई थिंक सुपर थंडर को पूरा का पूरा जो विटनेस है मिल चुका है कि वहां पर जो प्लेयर्स की रिवाइवल अभी के पर चल रही है एंड सीधा टीम बाला वाइटी की तरफ से यहां पर ये जो रश ही नया आया है क्या नहीं है बस चुकला चीट ऑफ दिस 4v4 का सिनेरियो ये बन रहा है एंड नाउ दिस टाइम बिल्कुल गॉडल लोल्स वाइटी की बात कर लीजिए, बहुत ज्यादा मुश्किल में यहाँ पर टीम बी आई अर्थर के प्लेयर्स एंड नाउ दिस टाइम क्रॉन्टन की बात करेंगे। क्रॉन्टन बीइंग द नाउ सोलो प्लेयर स्टैंडिंग फॉर द टीम, कमाल का ये जो थर्ड पार्टी बैक स्टेपिंग हमको यहाँ पर देखने को मिली है फ्रॉम द साइड ऑफ द टीम बाला वाइटी की तरफ से, और मुश्किल आट यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ाई जा रही है, बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है एंड क्रॉन्टन का अब यहाँ से एक एक मूव बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि क्रॉन्टन यहाँ से बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि अगर इनकी टीम अब अगर क्रॉन्टन यहाँ से एक भी गलती करेंगे कोई भी अनवांटेड पीक दी जाएगी और अगर कैजुअल्टी अपने ऊपर ले लेते हैं सो आई थिंक सो इनकी टीम यहीं पर जो सफर है वो खत्म हो सकता है और मुश्किल यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ जाने वाली है। सो लेट्स सी देखते हैं अब यहाँ से क्रॉन्टन इस हैंडल को किस तरह से प्रेशर आउट करते हैं, काफी एक्सपीरियंस वाले प्लेयर्स हैं बटलर से अभी यहाँ पर तो प्रोन डाउन हो चुके हैं, क्यों मालूम है अगर शॉट्स ये पोजिशनिंग कॉम्प्रोमाइज करवा लेंगे बट तब भी मुश्किल बढ़ सकती है। बट सिंह की बात करी जाए कंप्लीटली अभी भी आइसोलेटेड एंगल्स में तैनात दिखाई दे रहे हैं, अगर क्रॉन्टन को थोड़ा सा भी आउट कर लेता बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है सिंह वर्सेस क्रॉन्टन यहां पर किसी भी क्षण यहां पर 1v1 हो जाएगा, क्योंकि अगर यहां पर सिंह रुकते हैं व्हीकल एक्सचेंज करने के लिए तो क्रॉन्टन के द्वारा यहां पर शॉट्स लिए जा सकते हैं। बट जी हां बिल्कुल क्रॉन्टन ने यहां पर एक कमाल के जो शॉट्स है अपनी स्कार के साथ लिए और बिल्कुल दैट्स गोइंग टू बी एन स्विच ऑन डीपी और क्रॉन्टन के द्वारा एक कमाल का स्प्रे जाएगा, बट ओ दोनों तरफ से यहां पर प्रेशराइज करा जा रहा है, एक तरफ से यहां पर टीम DN4 के प्लेयर्स बस दूसरे प्लेयर को भी टेक डाउन कर दिया, बट मुझे लग रहा है मयंक की भी मुश्किल बढ़ सकती है किसी भी टाइम, क्योंकि मयंक इट्स बियरली सर्वाइविंग ऑन गोल्डन एचपी एंड कंप्लीटली टीम DN4 के प्लेयर्स क्या यहां से एग्रेशन दिखाना प्रीफर करेंगे, क्योंकि क्रेग्जी की बात कर लीजिए वो कंप्लीटली यहां पर जा रहे हैं सिंह को रिवाइवल देने, मयंक यहां पर रिवाइवल दे रहे हैं टंडर को, टीम
DN4 के पास एक बेहतरीन मौका है अगर यहां से रशिंग करते हैं, सो आई थिंक सो जो टेबल है वो टर्न्स यहां पर करी जा सकती है, बट ज़ेनोगॉड की बात कर ली जाए कंप्लीटली अभी भी यहां पर जो है खेलते हुए नजर आएंगे टीम बाला वाईटी के प्लेयर्स के साथ, यहां पर जो फाइट्स इनिशिएट्स करी जाएंगी। एंड गाइस फटाफट से जाइए यार स्ट्रीम को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड ओ बिल्कुल बैक टू बैक यहां पर पिन डाउन करने का जो प्रयास चलेगा कुछ ऑन पॉइंट डीपी के जहर बस अभी के पर फिलहाल हमको जो विटनेस करने को है मिल रहा है, ज़ेनोगॉड की डीपी जाएगी यहां पर रिलोड में, बट लेट लुक एट द जोन। बिल्कुल अब यहां से टू वॉच आउट फॉर द जोन यहां पर इट्स कंपलसरी, बिल्कुल एक नेसेसरी। अब यहां पर जो फर्स्ट 10 मिनट्स है वो आपको कंप्लीट हो चुके हैं जो प्राइमरी लूट के लिए दिए जाते हैं, एंड नाउ दिस टाइम आई थिंक सो अब आपको जोन की तरफ मूव ऑन करना पड़ेगा क्योंकि सदर्न पार्ट्स ऑफ द रीजंस की तरफ जब जोन जाता है ना 15 मिनट्स के कुछ आसपास यहां पर जो मल्टीपल नंबर ऑफ टीम्स जो है ब्रिजेस में यहां पर जो फाइट्स इनिशिएट्स होती हुई नजर आ सकती है, बट यहां पर टीम हिंद कराकिन की अगर यहां पर बात कर ली जाए फ्रेगर दिखाई देंगे, आर एक्सेल दिखाई देंगे, हिंद क्रूल अभी क्लब पर जो खेलते हुए जाएंगे, क्रूल अभी क्लब पर फिलहाल कहीं ना कहीं टेक डाउन है, पेन के ऊपर यहां पर पूरी की पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहां पर आती हुई नजर आ रही है, बट नाउ दिस टाइम कराकिन के द्वारा ई एक्स अवॉर्ड को टेक डाउन करा जाएगा। माया गेमिंग की टीम थोड़ा सा अपने आप को मुश्किल में पाएंगे, बट फ्रेगर को भी टेक डाउन कर दिया जाएगा, कंफर्मेशन यहां पर निकालने का जो प्रयास माया गेमिंग की तरफ से यहां पर रहने वाला क्योंकि एज अ फ्रंट लाइन कमांडर का जो रोल है अपनी टीम के लिए यहां पर बेखूबी से यहां पर अदा कर रहे हैं, बट बैकअप स्टिल अभी भी नहीं है, बट गॉबलिन का बैकअप थोड़ा सा अब आता हुआ नजर आ रहा है और मुश्किल में अपने आप को पाएंगे टीम आरएक्सएन के प्लेयर्स, पेन बहुत ज्यादा मुश्किल में कैन एबल टू क्लच इट आउट दिस वन वी टू सिनेरियो क्योंकि हिल्स इनके एक प्लेयर के पास तो पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर थी, बट गॉबलिन को यहां पर जो है स्पॉट आउट नहीं कर पाए, गॉबलिन अपनी स्कारल के साथ बेहतरीन तरीके से यहां पर जो डैमेज है दिया है और अपनी टीम के लिए एक इंपॉर्टेंट फिनिश यहां से जो है ना निकाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था ये फिनिश। एंड रियल क्रॉन्टन है क्या? बिल्कुल मेरे दोस्त रियल क्रॉन्टन ही होगा यार भाई, ऑर्ग बैटल चल रहे हैं, रियल क्रॉन्टन ही आएगा भाई, कोई फेक थोड़ा ना चल रहा है। बट अगर गाइस यहां पर बात कर लीजिए स्कायर से के की बात करें, बैक टू बैक जो स्प्रेज है करे जा रहे हैं, निंजा एक्सजी अभी के लिए फिलहाल यहां पर टेक डाउन हो चुके हैं, स्कायर से के यहां पर निंजा ए के अभी के पर टेक डाउन है, रिवाइवल यहां पर कितनी जल्दी मिलेगा। ई स्टार प्रीत की बात करी जाए, टीम ई स्टार ई स्पोर्ट्स यहां पर प्लेयर्स प्रीत एक तरफ, दूसरी तरफ यहां पर क्लच ओपी देखने मिल जाएंगे, बट क्लच ओपी के ऊपर भी जो शॉट आया था ना इट्स बी अर्ली सर्वाइव एंड गोल्डन एच, जरूर कहीं ना कहीं यहां पर रोगी को अगले स्पॉट आउट कर लिया गया, बट रोगी यहां पर विकेट अपने आपको बैकफुट सिनेरियोस में पा रहे हैं। निंजा एक्सजी की बात कर लिया, डीएम और एक्शन का बेहतरीन तरीके से यहां पर जो गेम प्ले है निकाल कर ला रहे हैं, बिल्कुल यहां पर प्ले स्टाइल में बहुत ज्यादा यहां पर जो फर्क है इस टीम के बीच में हमको देखने को मिला है, एक अट्रैक्टिव एक अटैकिंग माइंडसेट के साथ यहां पर इस मैच में यहां पर बढ़ रहे हैं, एंड नाउ दिस टाइम आई थिंक सो मुश्किल हालात में, बहुत ज्यादा मुश्किल हालात में यहां पर अपने आप को पा रहे होंगे टीम नंबर 20 के प्लेयर्स, एंड नाउ दिस टाइम कंप्लीटली जब आप आउटसाइड ऑफ द जोन हो जाते हो ना तो और ज्यादा जो प्रेशर है वो बिल्ड करना चालू हो जाता है टीम रोगी टू ओपी के प्लेयर्स। अब यहां से अपने नाम को जस्टिफाई करना पड़ेगा, क्या यहां से टू ओपी वाला गेम प्ले दिखा पाते हैं ना, ये तो अभी यहां पर कुछ ही क्षणों में मालूम चलेगा क्योंकि यहां पर बैक टू बैक डीएमआर एक्शन के साथ जो शॉट है लिए जा रहे, कनेक्शन यहां पर बनाए जा रहे हैं, थोड़ा सा मुश्किल यहां पर बढ़ रही है, बट क्लच गेमिंग के प्लेयर्स बिल्कुल भी जो इनको मौका है वो दे नहीं रहे, बट प्रीत एंड निंजा एक्सजी दोनों ही यहां पर प्लेयर्स ने एक दूसरे के साथ दो प्लेयर्स अभी यहां पर जो है फिनिश ऑफ हुए, बट यहां पर टीम यूकेबी के प्लेयर्स की अगर बात कर ली जाए फाइट्स में अभी के पर फिलहाल जो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर लेते हुए नजर आएंगे, बट इनके बहुत ज्यादा क्लोजिंग फैसिलिटीज में बात कर ली जाए टीम नंबर 11 के प्लस टीम अर्सी गेमिंग वर्सेस यहाँ पर टीम माया गेमिंग किसी भी क्षण यहाँ पर जो इनिशिएट्स होते हुए नजर आ सकती है ये फाइट्स। माया गेमिंग के प्लेयर्स कंप्लीटली अभी भी यहाँ पर जो डाउन द रीच यहाँ पर तैनात है, टीम एआरसी गेमिंग की बात कर ली जाए अल्ट्रॉन स्टिल अभी भी यहाँ पर खेलते हुए नजर आएंगे, माया गेमिंग के द्वारा यहाँ पर जो शॉट्स लिए जा रहे हैं बट ईजी यहाँ पर नहीं रहने वाला है फिलहाल बात कर ली जाए किसी भी टीम के लिए, एंड माया गेमिंग को अभी के पर ये गो अभी के पर चेक डाउन करा जाएगा, गोबलिन अभी के पर जो स्टिल यहाँ पर सर्वाइवल आउट कर रहे हैं बट थोड़ा सा आइसोलेटेड है, एंड आई डोंट थिंक सो कि अब यहां से रिवाइवल एग्जीक्यूट करना प्रोसीड करना इतना ज्यादा इजी रहेगा क्योंकि गोबलिन थोड़ा सा आइसोलेटेड है, बट आई थिंक अगर ओपन सीनेरियोज में जाएंगे तो इनकी भी जो मुश्किल है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बट लेट्स सी क्या बॉट यहां पर धीमे धीमे स्मोक करके रिवाइवल देने की यहां पर जो मंशा है अपनी टीम के लिए जताएंगे। जी नहीं, मुझे नहीं लगता यहां पर इतनी ज्यादा आराम से यहां पर जो रिवाइवल मिल जाएगा, एटलीस्ट यहां पर ट्विस्ट या फिर अर्सी गेमिंग को टेक डाउन
करना पड़ेगा, बट अब उसकी नौबत ही नहीं आएगी। एंड फिलहाल अभी के लिए माया गेमिंग इस मैच से बाहर हो जाएंगे, बट नाउ दिस टाइम टीम माया गेमिंग के प्लेयर्स स्टिल अभी भी यहाँ पर डाउन टू टू मैन है, सर्वाइविंग यहाँ पर कर रहे हैं। टॉप 15 टीम्स अभी भी यहाँ पर जो इस मैच में आगे बढ़ती हुई नजर आने वाली है। इजी यहाँ पर फिलहाल देखिए किसी के लिए भी नहीं रहने वाला, क्योंकि ये ब्लेजिंग कप सीजन 2 है। आप इतनी आसानी से जो चैंपियन है वो नहीं बनोगे, बिल्कुल बहुत ज्यादा जो मुशक्कत है, कड़ी मेहनत जो है यहाँ पर करनी पड़ेगी। टीम यूबीके के प्लेयर्स भी अभी इस मैच से यहाँ पर कंप्लीटली जो है वाइप आउट हो चुके हैं। बट नाउ दिस टाइम अगर यहाँ पर गाइस बात कर ली जाए टीम एम अजय वाईची ब्लास्टर ओपी एंड यहाँ पर शिन एंड 11 स्टिल अभी भी यहाँ पर जो खेलते होने जाएंगे। टीम वांटेड गेमिंग के प्लेयर्स अभी यहाँ पर दिखाई देंगे, बट लुक एट द जोन कंप्लीटली बैक टू बैक एक सदर्न पार्ट्स ऑफ द रीजन्स की तरफ जोन है हमको यहाँ पर विटनेस करने को मिल रहा है। एंड नाउ दिस टाइम आई डोंट थिंक सो कि अब यहाँ से टीम्स के लिए ईजी रहने वाला है, क्योंकि मिलिट्री बेस के रीजन में टीम 7A इसलिए गॉड की जो टीम है ऑलरेडी यहाँ पर मेरे को तैनात दिखाई दे रही है। बात कर लीजिए टीम ब्लैक कैट के प्लेयर्स ऑलरेडी यहाँ पर मुझे तैनात दिखाई दे रहे हैं मिलिट्री बेस के रीजंस में। नाउ दिस टाइम आई थिंक सो इनके लिए एक बहुत ज्यादा बेहतरीन मौका है दस्तूर है, बस एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा। अगर एग्जीक्यूशन यहां से परफेक्ट ले जाते हैं सो आई थिंक सो इस पहले मैच में एक ऑग फेस वाले बैटल मैच में अपने आप को कुछ एक बहुत बड़े लीड्स के ऊपर यहां पर देख सकते हैं। एंड गाइस ये मैच एक्सक्लूसिव यहाँ पर बात कर ले जाए कंप्लीटली यहाँ पर जो ऑल एंड ऑनली यूट्यूब पे ही लाइव चल रहा है, तो आप लोग सर मेक श्योर टू हिट यार, मैं बोलूँगा जो भी जनता हमारे साथ पहली बार जुड़ रही है आई होप कि गाइस आपको कास्टिंग अच्छी लगी हो एंड मेक श्योर टू हिट। भाई बिल्कुल यहाँ पर स्ट्रीमर फेज है, बिल्कुल मेरे दोस्त यहाँ पर ये स्ट्रीमर फेज ही चल रहा है। बट अगर बात करें साइपन के स्टिल यहाँ पर अभी भी यहाँ पर खेलते हुए नजर आएंगे, बट नॉट दिस टाइम बहुत ज्यादा क्लोजिंग विसिनिटी से यहाँ पर जो व्हीकल्स के साथ रोटेशंस कर रहे हैं किसी भी क्षण यहाँ पर व्हीकल्स को बस डाउन करा जा सकता है, क्योंकि जो प्लेयर्स की ग्राइंड है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल जा चुकी है। किसी भी क्षण यहाँ से वो टेक डाउन निकाल सकते हैं। टीम NFS के प्लेयर्स की बात कर ली जाए स्टिल अभी भी यहाँ पर घोस्ट बॉट के पास कुछ अच्छी खासी मेडिक्स नहीं है, बट एक ही फर्स्ट एड यहाँ पर रहेगी। बट M16A4 के साथ इस मैच में बढ़ रहे ओमेगा अभी भी यहां पर जो फिलहाल में यहां पर देखने को मिल जाएंगे, डिस्ट्रॉयर ओपी अभी भी यहां पर जो है खेलते हुए नजर आने वाले। बट कंप्लीटली सो नाउ दिस टाइम एक एक करके सभी टीम्स अपने आप को जोन के अंदर जो है लेके जाना चाहेंगी। रेवन नोवा WNL की अगर बात करें कंप्लीटली एक सोलो प्लेयर यहां पर सर्वाइविंग कर रहा है और पूरी की पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इस प्लेयर के ऊपर आ चुकी है, इनके कंधों के ऊपर आ चुकी है। बट मुझे तो लगता है कि भाई बिल्कुल सही यहां पर इनका जो ये मूव है जा रहा है, फटाफट से स्विम करके मिलिट्री बेस के आइलैंड की तरफ जो यहां पर पहुंचना चाहेंगे, उस मिलिट्री की भूमि के अंदर यहाँ पर जो लैंड के अंदर जो अपना पैर रखना चाहेंगे और अपने आपको थोड़ा सा सेफियर पाना चाहेंगे, क्योंकि बिल्कुल भी फाइट्स में अपने आपको भी इन्वॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि एक सोलो प्लेयर 1v4 1v2 1v3 करना इन दोस टाइप ऑफ स्क्रिम्स एंड टूर्नामेंट्स यहाँ पर बिल्कुल भी ईजी रहता नहीं है, जहां पर आपका मुकाबला T1 एक टॉप क्वालिटी टीम्स के साथ हो रहा हो तो इतना ज्यादा ईजी रहेगा नहीं। बट यहाँ पर टीम बात करी जाए टीम 13 बिल्कुल यहाँ पर टीम ब्लैक कैट के प्लेयर्स एक हायर ग्राउंड को कंप्लीटली यहाँ पर एक्वाइड कर चुके हैं। कैरी यहाँ पर शॉर्ट्स लेने का ट्राई आउट जरूर कर रहे थे, बट अभी के लिए राइजन ओपी के द्वारा इनको टेक डाउन कर दिया जाएगा फटाफट से। यहाँ पर जो रिवाइवल की दरकार रहने वाली, अगर रिवाइवल नहीं मिला ऑन पॉइंट सो आई थिंक सो कैरी को इस मैच से यहाँ पर लूज आउट करना पड़ सकता है। टीम NSG हर्ष अभी के लिए यहाँ पर बेहतरीन तरीके से फ्लेक्स गॉड को इन द अर्ली फेज ऑफ द मैचेस में यहाँ पर लूज आउट कर दिया था, बट उसके बावजूद बेहतरीन तरीके से यहाँ पर इनसाइड का जोन यहाँ पर जो मूव ऑन करा है, कंफर्मेशन यहाँ पर सिक्योर करना चाहते हैं। क्रेक्सी के द्वारा एक्विक्स को यहाँ पर फिनिश ऑफ करा जाएगा, फ्री फायर अभी के लिए यहाँ पर करे जा रहे हैं, व्हीकल को बस डाउन करने का जो प्रयास अभी भी यहाँ पर स्टिल जो है जारी रहने वाला है। राइजन के द्वारा अगर यहाँ पे व्हीकल एक ऑन पॉइंट बस डाउन होती है सो आई थिंक सो एक नॉक नहीं दो नॉक यहाँ पर मिल सकते हैं, क्योंकि स्प्रे गॉड यहाँ पर गॉड की बात कर लीजिए बहुत ज्यादा क्लोजिंग विसिट, बस एक सही डिस्टेंस पे जो रिवाइवल है वो एग्जीक्यूट करा गया, अगर बहुत ज्यादा क्लोज से करते सो आई थिंक सो व्हीकल को ऑलरेडी यहां पर बस्ट आउट कर दिया था, मुश्किलात यहां पर किसी भी क्षण बढ़ सकती थी। बट नाउ दिस टाइम क्वेरी के साथ गॉड, ओ माय गॉड, ये चीज तो नहीं होनी चाहिए थी। ऑलरेडी आपके ऊपर जब स्प्रेज आ रहे हैं ऊपर से अगर व्हीकल्स का अगर हल्का सा भी एक्सीडेंट हो जाए तो मुश्किलात यहां पर थोड़ी सी बढ़ जाती है और बहुत ज्यादा भी बढ़ सकती है किसी भी क्षण, क्योंकि जो प्लेयर्स है वो मौका नहीं देते। एंड नाउ दिस टाइम स्लॉट नंबर यहाँ पर बात करें 23 टीम MAC के कार्स देखने मिल जाएंगे, कोविड देखने मिल जाएंगे एंड अमृत स्टिल अभी भी यहाँ पर जो सर्वाइवल कर रहा है और अपनी प्राइमरी रूट को जो कंप्लीट आउट है वो करा जा रहा है, क्योंकि मालूम है हीलिंग्स यहाँ से इनको
बचा सकती है। हीलिंग्स इनको यहाँ पर जो MBBS की जो डिग्री है वो लेनी पड़ेगी यहाँ से, और अपने आप को जोन के बाहर रोककर हील बैटल करने पड़ेंगे, क्योंकि फोर्थ जोन 42 सेकंड्स में यहाँ पर स्विंगिंग होना चालू हो जाएगा। 19 मिनट्स का जो मार्कर हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर क्रॉस आउट कर चुके हैं इस मैच को स्टार्ट करते हुए, और अब यहाँ पर जो किल फीड में नाम है वो बहुत ज़्यादा तेजी से आने वाले। बट मैं ये क्या देख रहा हूँ, वाटर के ऊपर यहाँ पर जो बोट के साथ जो है कुछ ना जाने की यहाँ पर जो तैयारी यहाँ पर जारी रहने वाली है। अमृत को तो अभी यहाँ पर स्पॉटेड करके पूरा का पूरा यहाँ पर फिनिश ऑफ कर दिया गया क्रैक सी के द्वारा, कुछ ऑन पॉइंट M4 विद एंड 6 सिक्स के साथ यहाँ पर जो प्ले है दिखाया जा रहा है, मुश्किल लाट में यहाँ पर निकालेंगे डैक्स इलीगल। यहाँ पर बात कर लीजिए कंप्लीटली यहाँ पर टीम बाला वाइटी अभी के लिए अपने अपोनेंट्स को मुश्किल लाट में डाल रही, टीम मैक के प्लेयर्स अभी के लिए इस मैच में मैक कैश की बात कर लीजिए, मैक कैश बिग नाना सोलो प्लेयर स्टैंडिंग फॉर द टीम राइट नाउ एंड आई थिंक सो सिंह यहाँ पर किसी भी क्षण स्पॉट आउट कर सकते हैं, क्योंकि सिंह ने क्या अभी तक इनको स्पॉट आउट नहीं करा है। जी नहीं, अभी भी यहाँ पर जो स्पॉट आउट है वो नहीं कर पाए हैं सिंह कहीं ना बैठ के, बट क्रेग जी भी अभी यहाँ पर जो स्पॉट आउट करने का जो प्रयास है जारी रहने वाला है। एंड कंप्लीटली ये जो जोन है एक साउथ वेस्टर्न ही आके फिनिश हुआ है, जरूर एक सदर्न पार्ट ऑफ द आइलैंड्स की तरफ है बट थोड़ा सा वेस्टर्न ओरिएंटेड भी है, बिल्कुल बोल नहीं सकते कि यहाँ पर एक सेंट्रल मिलिट्री बेस है यहाँ पर देखने को मिलेगा। भाई हमारे कब से हैं मैचेस मेरे दोस्त, अगर आपको अपने मैचेस नहीं मालूम है तो आप लोगों से मैं देखिए सीधी बात बोलूंगा, डिस्कॉर्ड सर्वर इसलिए बनाया जाता है, इफ़ यू हैव एनी इशू एंड प्रॉब्लम तो आप जाइए डिस्कॉर्ड सर्वर पर बात करिए, वहां पर आपको जो सभी आंसर से आपके मिल जाएंगे कि आपके मैचेस कब हैं क्या टाइमिंग है। सो नाउ दिस टाइम आई थिंक सो बेस्ट स्कैर जेड है कि अभी आप बहुत ज़्यादा जल्दी जो रोटेशन आप करना चाहते हैं रोग यू ओपी की तरफ से, क्योंकि जो डैमेज है द जोन शोइंग इट्स कलर्स राइट नाउ एंड बैक टू बैक जो डैमेज है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हैवी पड़ रहा है। ट्विस्ट अभी क्लब ऑलरेडी यहाँ पर फिनिश ऑफ हो चुके हैं, एम ब्लास्ट भी ऑलरेडी यहाँ पर जो है फिनिश ऑफ होते हुए नजर आएंगे एंड आई थिंक सो चलती व्हीकल से यहाँ पर पिन डाउन कर दिया गया स्कैर्स को। एंड नाउ दिस टाइम टीम ब्लैक कैट के प्लेयर्स ये टीम अपनी जो छाप है यहाँ पर छोड़ती हुई नजर आ रही है, पहला फिनिश यहाँ पर जो अपने बैग में जरूर सिक्योर करा है, बट लुक एट द पोजिशनिंग्स दिस टीम इज लुकिंग इनसेन राइट नाउ। बात कर ली जाए कैरी स्टिल अभी भी यहाँ पर जो M4 एंड AKM के साथ जो है अपनी प्रबल दावेदारी जो पेश आउट है करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि कंप्लीटली टीम बाला वाइटी के प्लेयर्स आउटसाइड ऑफ द जोन है एंड आई एम डेफिनेटली श्योर उनके लिए जो वेट आउट है वो करा जाएगा। मयंक अपने आप को मॉलटॉक से यहाँ पर टेक डाउन करवा लेंगे, बट अगर आप अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार सो आई डोंट थिंक सो कि आपको यहां पर किसी एनिमी की नीड रहने वाली है इस गेम में। तो आप अगर इस तरह की छोटी मोटी गलतियां करते हो तो इन दैट बहुत बड़ा जो इंपैक्ट है डालती है आपकी टीम की पोजीशनिंग्स के ऊपर एंड गेम प्लाई गेम स्टाइल के ऊपर। बट सिंह अभी भी यहां पर जोन के अंदर जाने का ट्राई आउट जारी रहेगा, बट मुझे नहीं लगता यहां पर टीम ब्लैक कैट के प्लेयर्स बिल्कुल भी इनको जो यहां से मूव ऑन है वो करने देना चाहेंगे बिल्कुल। NFS के घोस्ट ओपी ऑन टू द अनदर साइड यहां पर टेक डाउन हो चुके हैं, बट सिंह यहां पर बहुत ज्यादा ओपन सिनेरियोस में यहां पर जो क्रॉस ही ना कर रहे, अगर किसी भी क्षण यहां पर प्लेयर गॉड ने यहां पर स्पॉट आउट कर लिया, बट इस प्लेयर गॉड का मालूम नहीं करे ना करे, बट आई थिंक सो हर्ष FTW एंड यहां पर डिस्ट्रॉयर ओपी के लिए यहां पर इनको यहां पर पिक डाउन करना बहुत ज्यादा इजी रहेगा। बट नाउ दिस टाइम आई थिंक सो फिफ्थ जोन यहां पर कहीं ना कहीं स्टार्ट हो चुका है एंड डैमेज यहां पर बहुत ज्यादा जो है डील आउट करने को मिलेगा, कातिल वॉर्टेक्स के द्वारा करने जाएंगे। वॉर्टेक्स अभी यहां पर टेक डाउन अपने आप को दूसरे के जोनेट्स के साथ यहां पर करते हुए नजर आएंगे, बट यहां पर क्रूटर की बात कर ली जाए फटाफट से जो रिवाइवल है वो एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा, बट टीम बाला वाइटी इनटू बी एंड ट्रबल क्योंकि प्रेशराइज करे जा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट एंगल से टीम ब्लैक कैट के प्लेयर्स, कोई भी जो मौका है दे नहीं रहे हैं कि आप जोन के अंदर आइए, क्योंकि गेट कीपिंग सिनेरियोस कंप्लीटली जा रही है इसीलिए बोलते हैं, क्योंकि अगर आपने जोन को रिस्पेक्ट नहीं करी तो जोन आपको पीछे से प्रेशर देगा आगे से यहां पर प्लेयर्स यहां पर तैनात है। स्लेयर गॉड ने अभी लापर सिंह को स्पॉट आउट कर लिया, कुछ ऑन पॉइंट M4 के यहां पर स्पेस जाएंगे और टेक डाउन यहां पर निकाला जाएगा, बट नाउ दिस टाइम क्रैक सी आई थिंक सो कंप्लीटली आउटसाइड ऑफ द जोन इस मैप से यहां पर जो बाहर है वो होने वाले हैं, कैरी को भी यहां पर आराम से जो रिवाइवल है एग्जीक्यूट होता हुआ नजर आएगा। बट ऑन टू अनदर साइड टीम माया गेमिंग के प्लेयर्स की बात कर ली जाए, EXABOT is the now solo player standing for the team right now and कितनी ज्यादा देर तक हील्स लगा पाते, बट आखिरी फर्स्टेड है आखिरी उम्मीद इस मैच से यहाँ पर बची है इनके पास और उसके बाद जो इनको भी यहाँ पर जो सफर है इस मैच का यहाँ पर फिनिश ऑफ करना पड़ेगा। बट क्रूटर ऑन टू द अनदर साइड फिनिश ऑफ हो चुके, बट टीम नंबर 9 के प्लेयर्स यहाँ पर बात कर लिए टीम NSG हर्ष, ये टीम जो रुकने का नाम है थमने का जो नाम है नहीं ले रही है, स्टिल सबसे फर्स्ट ब्लड जो है इनके बैक में आया था, इन्होंने अपनी जो कैजुअलिटी यहाँ पर दी थी। फ्लेक्स गॉड यहाँ पर टेक डाउन कर देगा
थे, बट उसके बावजूद दिखाया कितना ज्यादा बेहतरीन तरीके से जो दमखम ये टीम रखती है, बेहतरीन तरीके से यहाँ पर जो बैकअप है यहाँ पर आया, उसके बाद एक एक करके जो फाइट से निकाली, जोन के अंदर कुछ ऑन पॉइंट रोटेशन जाएंगे सदर्न पार्ट ऑफ द जोन कंप्लीटली, किसी भी टीम के लिए इजी नहीं रहता। और खासकर जो टीम एक झड़की जैसा कंपाउंड लूट के आ रही हो मिलिट्री बेस के रीजन में, डोमिनेशन करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, क्योंकि जब आपको एक बहुत लंबा जो फेदर है वो करना पड़ता है, उससे पहले आपसे पहले यहाँ पर जो मल्टीपल नंबर ऑफ टीम्स है वो कहीं ना कहीं आराम से जो डिस्टेंस ट्रेवल करके यहाँ पर जोन के अंदर जा सकती है। बट स्टिल अभी के लिए यहाँ पर जिस तरीके से ये दमखम दिखा रही है, आई थिंक सो टीम NSGers बहुत ज्यादा आइडियल कंटेंडर दिखाई दे रहे हैं, बट थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा क्योंकि इनके बहुत ज्यादा क्लोजिंग विसिनिटीज में आपस टीम मेगा बॉय गेमिंग के प्लेयर्स अभी भी यहाँ पर फिलहाल में तैनात है। टॉक्सिक IGL के ऊपर यहाँ पर जो शॉट्स है लिए जा रहे हैं पीछे से, यहाँ पर देखना पड़ेगा स्कैम OP थोड़ा सा कवर फायर देने का जो प्रयास अभी भी यहाँ पर स्टिल जारी रहने वाला, बट स्कैमर OP कंप्लीटली आउटसाइड ऑफ द जोन अभी यहाँ पर जो फिनिश ऑफ होते हुए नजर आएंगे। बट रूक गॉब्लिन IWNL की बात कर ली जाए, टीम NXG के प्लेयर सर्च को अभी यहाँ पर, टीम ब्लैक कैट के प्लेयर को अभी यहाँ पर टेक डाउन कर रहा है, बिल्कुल यहाँ पर फिनिश ऑफ करने का जो सिक्योर है एज वेल एज यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। एंड आई थिंक अगर एक और ग्रेनेड अगर यहाँ से गॉब्लिन कनेक्ट करवा देते हैं देन आई एम डेफिनेटली श्योर टीम डोमिनिक यहां से डोमिनेट करने वाली है, टेकिंग अप अ चार्ज बिल्कुल यहाँ पर किसी भी शर्त जो हमको यहाँ पर रशियन देखने को मिल सकता है, मुश्किल लाट यहाँ पर बढ़ सकती है। कौतल की बात कर लीजिए, रियोनिक्स अभी के यहाँ पर टेक डाउन कर दिए जाने वाले, ऑन टू द अनदर साइड टीम डोमिनिक की तरफ से बात करी जाए, डोमिनेट यहाँ पर करना पड़ेगा सैंडविच सिनेरियो में, एक तरफ यहाँ पर टीम मेगा बॉय गेमिंग, दूसरी तरफ यहां से बात कर लीजिए टीम ब्लैक कैट के प्लेयर्स, दोनों के बीच में यहां पर ये जो टीम है तैनात है, बट स्टिल अभी भी यहां पर जो डट कर जो सामना है कर रहे हैं, बट कंप्लीटली एज ऑफ नाउ एक टीम ऐसी रहेगी जो कंप्लीटली मुझे आइडियल कंटेंडर दिखाई दे तो रहते बट बहुत ज्यादा आउटसाइड ऑफ द जोन, बिल्कुल यहां पर आउट नंबर्ड हो चुके हैं। बट हर्ष ने यहां पर टीम NSG हर्ष के प्लेयर टॉक्सिक IGL स्टिल अभी भी जो सर्वाइवल कर रहे हैं, बट शॉट्स यहां पर लिए जाएंगे वॉर्टेक्स के द्वारा, बट उससे पहले वॉर्टेक्स यहां पर जो है फिनिश ऑफ कर देंगे। डिस्ट्रॉयर की बात कर ली जाए कंप्लीटली एक सदन पार्ट ऑफ द रीजन की तरफ से एक बेहतरीन रोटेशन जाएगी इनसाइड द जोन, अभी लाभ मूव ऑन कर चुके हैं कातिल के प्लेयर्स एक एक करके टेक डाउन है, टीम डोमिनिक के प्लेयर्स अपना डोमिनेशन यहां पर दिखाना चालू कर चुके हैं। एंड नाउ दिस टाइम दिस टीम इज गोइंग इनसेन राइट नाउ, कंप्लीटली आउटसाइड ऑफ द जोन से यहां पर जो है ना आई थी ये टीम और कंप्लीटली 12 फिनिशर्स यहां पर अपने बैग में सिक्योर कर लिए, बट डोमिनिक को बचाना इट्स लुक लाइक सीम एज एन इंपॉसिबल, बट नाउ दिस टाइम आई थिंक सो क्या यहां से टेबल टर्न्स कुछ हो सकते हैं। लास्ट 6 मीटर्स अभी भी में जाना है, एक एक मीटर यहां पर बहुत ज्यादा क्रूशियल रहता है, बट आई थिंक सो MK14 के साथ डिस्ट्रॉयर अभी के लिए कर देंगे डिस्ट्रॉय IWNL के ऊपर, अब यहां पर पूरी की पूरी रिस्पांसिबिलिटी एंड नाउ दिस टाइम IWNL फॉर द इज द लास्ट होप फॉर द टीम ब्लैक कैट, बिल्कुल यहाँ पर टीम डोमिनिक की बात कर लीजिए, बट ब्लैक कैट के एक प्लेयर को स्पॉट आउट करा, फिनिश ऑफ करेंगे एंड द टीम कमिंग विद अ ग्रेट विनर विनर चिकन डिनर, इट्स नन अदर देन द टीम ब्लैक कैट, यहाँ पर बात कर लीजिए बेहतरीन तरीके से यहाँ पर जो फिनिशर्स यहाँ पर सिक्योर करे हैं। डिस्ट्रॉयर OP देखने को मिल जाएंगे 2 फिनिशर्स के साथ एंड कैरी विद इन 2 फिनिशर्स, हर्ष विद द 2 फिनिशर्स एंड स्लेयर गॉड यहाँ पर बात कर लिया एक फिनिश के साथ, तो टोटल 7 फिनिशर्स यहाँ पर जो सिक्योर करे जाएंगे। बट टीम XBX यहाँ पर बात करें, टीम रूक एक्स यहाँ पर बात कर लिया, टोटल फिनिशर्स इनके बैक में बहुत ज्यादा अच्छे रहने वाले टीम डोमिनिक के प्लेयर्स के बैक में, क्योंकि टोटल फिनिशर्स की बात कर लीजिए 4, 5, 9, 2, 11 and 2, 13 फिनिशर्स यहाँ पर जो सिक्योर करे जाएंगे एंड इन द एंड द टीम कमिंग विद अ ग्रेट विनर विनर चिकन डिनर, इट्स नन अदर देन द टीम ब्लैक कैट, और बेहतरीन तरीके से यहाँ पर इस मैच को अपने नाम करा है, डोमिनेशन यहाँ पर दिखाया। सबसे अच्छी बात यह कि इन्होंने अपने जो प्लेयर्स हैं वो लूज आउट नहीं करे, अगर आप लोगों ने भी ये चीज विटनेस करी होगी कि आखिरी तक अपने चारों प्लेयर्स को बचा के रखा, क्योंकि एक एक प्लेयर यहां पर बहुत ज्यादा जो अहम किरदार है वो निभा सकता है, बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीके से यहां पर रोल को जस्टिफाई करा इनके प्लेयर्स ने एंड इन द एंड आप लोगों का इस खुद ब खुद विटनेस करने को मिल गया। तो चलिए गाइस लेते हैं फिलहाल अभी यहां पर एक छोटा सा ब्रेक, मिलेंगे आपको छोटे से ब्रेक के उस पर विद द बिगनिंग ऑफ द न्यू मैच की तरफ, एंड तब तक लिए गाइस देखते रहिए DN4 Esports के चैनल को, जाइस जिन्होंने भी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं करा सो कर दीजिए गाइस यार फटाफट से जाकर। लेते हैं गाइस एक छोटा सा ब्रेक, मिलेंगे आपको एक छोटा सा ब्रेक के उस पार।
तो वेलकम अगेन लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सभी एक बार फिर से। बात कर लीजिए D4 ई-स्पोर्ट्स यूट्यूबर्स बैटल ब्लेजिंग कप सीजन 2 Day 1। यहां पर बात कर लीजिए, टोटल 88 प्लेयर्स फिलहाल यहां पर इनसाइड द जोन है। गोडोलोल्स, क्रॉन्टन, उजेर, ओपी एंड ध्रुव व्हाइट ये भी यहां पर जो है खेलते हुए नजर आने वाले हैं। बात कर ले यहां पर स्लॉट नंबर 3 के प्लेयर्स यहां पर फिलहाल आ चुके हैं, बट सभी प्लेयर्स यहां पर एक ऑन पॉइंट है। गाइस फटाफट से जाइए, स्ट्रीम को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस, जिन्होंने भी ना करा हो फटाफट से जाकर मैं बोलूंगा। तो एक ही बार यहां पर चलिए बस सभी टीम्स को आप फिलहाल विटनेस करवा देते हैं कहीं ना कहीं। एंड टीम गॉड लोल्स यहां पर क्रॉन्टन देखने मिल जाएंगे, उजेर एंड ध्रुव वाइटी फिलहाल अभी यहां पर देखने मिल जाएंगे। स्लॉट नंबर 3 यहां पर टीम बीआई अर्थो के प्लेयर्स जो है फिलहाल देखने को मिल जाएंगे। स्लॉट नंबर 4 की अगर यहां पर बात कर ली जाए, यहां पर टीम माया गेमिंग के प्लेयर्स जो है वो फिलहाल देखने को मिल जाने वाले हैं। स्लॉट नंबर 5 की अगर यहाँ पर गाइस अगर कहीं ना कहीं बात करें, टीम ट्रू गेमिंग के प्लेयर्स देखने को मिल जाएंगे। स्लॉट नंबर 6 की बात कर ली जाए, टीम घोस्ट ओपी के प्लेयर्स जो यहाँ पर देखने को मिल जाने वाले। स्लॉट नंबर 7 ऑन क्रिएटिव पवन भी अभी जो फिलहाल यहाँ पर खेलते होने जाएंगे। स्लॉट नंबर 8 की अगर बात कर ली जाए, मेगा बॉय गेमिंग अभी फिलहाल हमको देखने को मिल जाएंगे। स्लॉट नंबर 8 ऑन NSG हर्ष देखने को मिल जाएंगे। स्लॉट नंबर 10 की अगर टीम्स की बात कर ले, वॉन्टेड गेमिंग के प्लेयर्स आ चुके हैं। स्लॉट नंबर 11 सभी प्लेयर्स यहाँ पर एक ऑन पॉइंट टाइम पे यहाँ पर ज्वाइन हुए। अर्सी गेमिंग यहाँ पर जो फिलहाल यहाँ पर जुड़ चुके स्लॉट नंबर 11 के प्लस। स्लॉट नंबर 12 की अगर बात कर ली जाए, कंप्लीटली यहाँ पर स्लॉट नंबर 12 के प्लेयर्स लास्ट मैच में बहुत ज्यादा बेहतरीन खेले, #2 यहाँ पर फिनिश करा। आई होप सो कि इस बार और ज्यादा बेटर करेंगे और #1 के रीजन की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं टीम डोमिनिक के प्लेयर्स। बट इन द एंड स्लॉट नंबर 13 विद द टीम ब्लैक कैट, बट बेहतरीन तरीके से यहाँ पर गाइस लोल्स के ऊपर मैं देखना चाहता हूँ परफॉर्मेंस यहाँ पर किस तरह से रहेगा। ऑक्टा इज लाइव मेरे ब्रदर, वेलकम टू द स्ट्रीम यार। This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. सो गाइस यहाँ पर बात कर ले, मैप रहने वाला है मेरा मार का, यहाँ पर निगाहें रखेंगे यहाँ पर टीम गॉडल के प्लेयर्स के ऊपर। लूज यहाँ पर एक बेहतरीन यहाँ पर गेम प्ले यहाँ पर निकल कर आता है। क्रॉन्टन बहुत ज्यादा बेहतरीन एक्सपीरियंस क्रॉन्टन यहाँ पर बोला जा सकता है, उजेर देखने को मिल जाएंगे एंड ध्रुव व्हाइट स्टिल अभी भी यहाँ पर जो खेलते हुए नजर आएंगे। मेरा मार के मैप में यहाँ पर बहुत ज्यादा डिफरेंट रहता है अगर बात कर ली जाए रेंगल के अपोजिट में, क्योंकि एक कम्प्लीटली बहुत ज़्यादा डिफरेंट मैप है, बहुत ज़्यादा ओपन सीनारियोज इधर रहते हैं, कुछ अच्छा खासा कंक्रीट कवर्स भी रहते हैं, बिल्डिंग्स भी रहती हैं। बट फिलहाल देखते हैं अब यहाँ पर कौन सी टीम जो है नहले पे दहला जो मारना है वो प्रीफर करेगी। एंड टीम बीआई अर्थर जो कि यहाँ पर स्लॉट नंबर 3 के प्लेयर्स के ऊपर है, यूनिकॉर्न, गोगॉन, टॉक्सिक, IGL एंड यहाँ पर विथ स्टोन वाइट स्टोन ओपी भी यहाँ पर जो फिलहाल यहाँ पर खेलते हुए नजर आएंगे। बट फिलहाल चलिए यहाँ पर गाइस निगाहें डालते हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं फ्लाइंग पाथ के ऊपर। फ्लाइंग पाथ की अगर यहाँ पर गाइस कहीं ना कहीं बात कर ली जाए, कंप्लीटली आपको एक टेरा ब्रूनो का एल हजर के रीजन की तरफ से स्टार्ट होता हुआ नजर आने वाले। हासियांडा पेट्रॉन सैन मार्टिन माउंटो नेवियो की रीजन की तरफ यहाँ पर गाइस कहीं ना कहीं यहाँ पर फिनिश ऑफ होगा। बट एट ऑफ द नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ द टाइम कंप्लीटली बोल सकते हैं नॉर्थ ईस्टर्न टू वेस्टर्न फ्लाइंग पाथ अभी यहाँ पर हमको विटनेस करने को मिलेगा। एट द नदन पार्ट ऑफ द रीजन को बहुत ज्यादा जो फेवर अप है करता हुआ नजर आएगा। एंड पायलट अभी के लिए फिलहाल यहाँ पर बात कर लिया, क्रॉन्टन यहाँ पर रहने वाले हैं। देखते हैं फिलहाल यहाँ पर टीम गॉड लाइक के प्लेयर्स यहाँ पर, दिल से गॉड लाइक तो वैसे हम लोग हमेशा कहते ही हैं, बट क्या आज यहाँ पर किस तरह से जो अपना इनिशिएशन यहाँ पर दिखाते हैं। एंड टीम BFZ के फ्रीज अभी भी यहाँ पर जो खेलते हुए नजर आ जाएंगे। इनिस जोटो देखने को मिल जाएंगे, पेन देखने को मिल जाएंगे, विगलेस देखने को मिल जाएंगे एंड BZF फ्रीज अभी भी यहाँ पर जो स्टिल दिखाई देने वाले, बट इनके बहुत ज्यादा क्लोजिंग विसिनिटीज में कुछ अर्ली ड्रॉप क्लैशेस अभी यहाँ पर फिलहाल अभी यहाँ पर हमको देखने को मिल जाएंगे, कुछ अर्ली फाइट्स अभी यहाँ पर जो हमको विटनेस करने को मिल सकती है। एंड हियर यू गो अभी यहाँ पर 4v4 की फाइट रहेगी, टोटल 22 टीम्स एंड 86 प्लेयर्स इनसाइड द लॉबी एंड फ्लाइंग पाथ अभी यहाँ पर देखते हैं। विगलेक्स की यहाँ पर बात कर लीजिए, विगलेक्स की यहाँ पर बात करें, थॉमसन इनके पास है, SKS इनके पास आ चुके हैं, बेहतरीन DMR एक्शन अभी यहाँ पर हमको फिलहाल देखने को मिल जाते हैं। एंड गाइस आप लोग अपनी फेवरेट टीम्स को सपोर्ट दिखाते रहिए इन द चैट सेक्शन में विद एंड रेड सर्विस प्राइम के साथ। बट अगर बात करें फिलहाल में टीम रोग यू टू ओपी के प्लेयर्स के ऊपर जो मेरी निगाहें हैं बहुत ज्यादा रहने वाली है इस मैच में, यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर जो खेलते हैं, किस तरह से अपना जो इनिशिएशन है यहाँ पर दिखाएंगे। बट नाउ दिस टाइम टीम ले चलते हैं एक बार टीम गॉडल के प्लेयर्स के ऊपर। क्रॉन्टन देखने को मिल जाएंगे, उजेर देखने को मिल जाएंगे, लोल्स देखने को मिल जाएंगे, ध्रुव व्हाइट स्टिल अभी भी यहाँ पर दिखाई देंगे। कंप्लीटली अपनी प्राइमरी लूट माउंटो नेवियो के रीजन में जाके अपनी ये जो टीम है प्रीफर करती है, बट एक बहुत ज्यादा प्यारा स्प्लिट में खेलते हैं, एक वेल नोन स्प्रेड इनके पास रहता है। क्रॉन्टन देखिए अभी भी यहाँ पर ग्लाइड करके थोड़ा सा आगे मूव ऑन करेंगे, पूरी
फैमिली लूट जो है कंप्लीट करना चाहते हैं। और जितना ज्यादा बड़ा रीजन यहाँ पर, जितने ज्यादा अच्छे रीजन में आप लोग जितने ज्यादा स्प्रेड रहोगे, उतनी ज्यादा अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन भी गैदर हो सकती है, और उसके साथ साथ में उतने ज्यादा बेहतरीन तरीके से अपनी प्राइमरी लूट को कंप्लीट आउट कर सकते हैं। बट लोल्स को अभी भी यहाँ पर उनका फेवरेट वेपन मिल चुका है, स्नाइपर यहाँ पर मिल चुकी है, क्या उससे यहाँ पर जो कमाल है दिखा पाएंगे। और डीएमआर का रोल और स्नाइपर एक्शन का रोल मीरामार के मैप में कम्प्लीटली यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हेंडोल्स जाने भी जाते हैं अपनी डीएमआर अपने बोल्ट एक्शन की वजह से बेहतरीन तरीके से यहाँ पर जो अपना ट्रेडमार्क है वो बना के रखा हुआ। टीम बी आई अर्थर की बात कर ली जाए, यूनिकॉर्न यहाँ पर टीम बी आई अर्थर गेमिंग के प्लेयर्स अभी यहाँ पर यूनिकॉर्न दिखा देंगे, गोगन दिखा देंगे, टॉक्सिक आईजेल एंड स्टोन ओपी स्टिल अभी भी यहाँ पर खेलते हुए नजर आएंगे। बट लुक एट द जोन कम्प्लीटली यहाँ पर एक साउथ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द रीजंस को जो जोन है यहां पर थोड़ा सा फेवर करेगा। एंड वंस अगेन लॉस लियोनिस इनसाइड द जोन देखने को मिल जाने वाला है। पिकार्डो के रीजंस फिलहाल अभी के लिए थोड़ा सा इनसाइड द जोन रहेंगे, बट इजी यहाँ पर फिलहाल रहेगा क्योंकि पिकार्डो के रीजन्स की तरफ अगर कोई भी टीम मूव ऑन करती है तो उनको कुछ अच्छी खासी लूट भी मिल सकती है। बट पिकार्डो के रीजन्स नॉट दिस टाइम कंप्लीटली यहाँ पर वैकेंट रहने वाले। इटाची अभी के लिए मूव ऑन करेंगे, गोल्ड स्नक को अभी के लिए फिनिश ऑफ यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। एंड ये गाइस यूट्यूब पर बैटल चल रहा है, मेक श्योर टू इट गाइस, ये स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस जिन्होंने भी ना कराओ। रशर बेस्ट कास्टर अवार्ड, अरे गाइस थैंक यू सो मच एट डेल्टा अफजल मेरे भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम। यूट्यूबर बैटल की अगर बात कर ले कंप्लीटली यहां पर गाइस एक जो डे बाय डे जो रोमांच यहां पर और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कातिल के वर्टेक्स यहां पर बैक टू बैक जो नॉक्स है निकालना यहां पर इनिशिएट करने यहां पर स्टार्ट कर चुके हैं, क्या कंफर्मेशंस में यहां पर सिक्योर कर पाएंगे देखना पड़ेगा। टीम बीएफजी के प्लेयर्स अभी के लिए थोड़ा सा अपने आप को मुश्किलात में पा रहे हैं, एक-एक करके जो फाइट्स है मल्टीपल नंबर ऑफ फाइट्स आर हैपनिंग इन द अर्लीस्ट स्टेजेस ऑफ द मैचेस में। बट बात करी जाए एक बार टीम डीएन4 के प्लेयर्स की, इटाची के पास एक बार उजी देखने को मिल जाएगी एंड शॉटगन देखने को मिल जाने वाली है। बट अगर बात करें एस्ट्रिक्स के पास फिलहाल यूएमपी रहने वाली है, दूसरे हाथ में M249 रहेगी। स्प्रे अभी के यहां पर बात करें M249 के साथ यहां पर आगे बढ़ेंगे, बट इनिट्स की यहां पर बात कर ले कातिल के साथ टायरर का ब्रूनो कम है अभी के यहां पर, ये जो फाइट्स इनिशिएट्स होते हुए नजर आ रही है। फ्रीज अभी के यहां पर टेक डाउन कर दिए जाएंगे, इनिट्स यहां पर बात कर लिया है, इनिट्स जो के ऊपर पूरा का पूरा जो प्रेशर है अपने ऊपर आएगा, एफपीपी के ऊपर स्विच करके यूएमपी को यहां पर एक अच्छा खासा जो डैमेज यहां पर प्रोवाइड करवाया गया था। बट नाउ दिस टाइम अपने ऊपर भी बहुत ज्यादा जो डैमेज है डील आउट कर चुके हैं, बाहर निकल के लेना चाहते हैं शॉट्स अपने टीम भी एंगल्स को अगर हल्का सा भी छोड़ेंगे सो आई थिंक सो जो मुश्किलें बढ़ सकती है क्योंकि वॉर्टेक्स यहां पर जंप आ चुकी है। इनिस्टो को अपने आप को बचा के रखना पड़ेगा क्योंकि अगर यहां से अर्ली एग्जिट लेते हैं तो आई थिंक सो टीम बहुत ज्यादा मुश्किल में अपने आप को पाएगी। बट कोई भी ऑप्शन था नहीं और कातिल यहां पर बात कर लीजिए, कातिल तरीके से यहां पर टीम कातिल के प्लेयर्स ने जो स्टार्ट है ना वो करी है और मुश्किल अभी के लिए यहां पर बहुत ज्यादा बढ़ा दी अपने ओपोनेंट्स के। देखते ही देखते यहां पर टीम मेगा बॉय गेमिंग इन टू ऑन द रोल राइट नाउ एंड एक सुपर स्टार्ट यहां से मिल चुका है। बट बात करें टीम GN4 के प्लेयर्स, बट ऑन टू द अनदर हैंड टीम ट्रू के हीरोक्स की यहां पर बात कर लीजिए, इको एक्स दिखाई देंगे, चाचा ओपी फिलहाल अभी के यहां पर खेलते हुए जाएंगे। टीम ट्रू के प्लेयर्स एक रूइंस के रीजन में अपनी प्राइम लीड को कंप्लीट आउट कर रहे हैं। बट लुक एट द सोन कंप्लीटली जो टीम यहां से आउटसाइड ऑफ द जोन है उनके लिए इजी नहीं रहने वाला। एल पोजो की अगर बात कर ली जाए बेहतरीन रीजन है, हाईली डेंसिटी यहां पर जो लूट है यहां पर मिलती है। टीम बीआई अर्थर के प्लेयर्स यहां पर फिलहाल जो अभी खेलते हुए नजर आएंगे, बट फिलहाल यूनिकॉर्न देखने मिल जाएंगे, गोगॉन देखने मिल जाएंगे, डीईएस टॉक्सिक आईजेल एंड स्टोन ओपी अभी यहां पर जो फिलहाल देखने को मिल जाने वाले। एसके अल्ट्रॉन यहां पर बिल्कुल यहां पर क्लोजिंग फैसिलिटीज में यहां पर जो टीपीपी एंगल्स का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे। गन्स ग्रेनेड यहां पर स्विच करता था बट स्टोन ने वापस से यहां पर पिन से हटाया और अब यहां से व्हीकल्स लेके डिसएंगेज करना ही यहां पर आई थिंक सो ज्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा क्योंकि इन द अर्ली फेज ऑफ द मैचेस में जब आप फाइट्स लेते हो ना तो दोनों ही टीम्स के पास एक 50-50% का जो रिस्क रहता है वो बियर करना पड़ सकता है, मुश्किलात दोनों ही टीम्स की बढ़ सकती है और टूर्नामेंट एक वो टीम जीतती है जो एक कंसिस्टेंट रहती है। इजी यहां पर फिलहाल देखिए किसी के लिए भी नहीं रहता। बट निंजा की बात कर लीजिए जहां बात आएगी टीम ई स्टार्स क्लच ओपी यहां पर फिलहाल देखने मिल जाएंगे, कैंग ओपी देखने मिल जाएंगे, प्री देखने मिल जाएंगे, बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीके से यहां पर टीम क्लच गेमिंग के जो प्लेयर्स हैं परफॉर्मेंस अपनी दिखा रहे थे बट थोड़ा सा आखिरी में जोन के अंदर जाने में यहाँ पर थोड़ा सा नाकामयाब रहे और मुश्किलात यहाँ पर बढ़ गई। बट प्ले बॉय एक्स आदित्य अभी भी यहाँ पर जो खेलते होने जाएंगे, डिस्ट्रॉयर दिखाई देंगे, 7NA कैरी एंड CIA अंकित टीम ब्लैक कैट बिल्कुल यहाँ पर बात कर लीजिए लास्ट मैच के विजेता अभी के लिए फिलहाल अभी के लिए ऑन टू द स्क्रीन एंड एक बार वापस से देखिए कितनी ज्यादा बेहतरीन तरीके से ये जो टीम अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर रिलाय कर रही है, बेसिक्स तरीके से यहाँ पर खेल रही है, एक वापस एक सेंट्रल सीनर्स ऑफ द जोन को होल्ड ऑन
करने का जो प्रयास है करा गया है एंड इट इज नेसेसरी. अगर इफ यू गेट दैट सेंटर ऑफ द सर्कल सो आई थिंक सो वहां से आपका जो गेम है वो बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि आपको लूट करने का भी प्राइमरी टाइम यहाँ पर कंफर्मेशन करने का मौका मिलता है एंड आप थोड़ा सा अपने आपको कंफर्टेबल सिनेरियोज में पाते हो. आई थिंक सो ये जो जोन है ना थोड़ा सा एक नॉर्दर्न ईस्टर्न शिफ्ट यहाँ पर जाएगा, मुश्किल बढ़ जाएगी, बट टीम एनएसजी के इट्रो ओपी फिलहाल यहाँ पर चेक डाउन करे जाएंगे. यहाँ पर टीम बीपीओ गोगन की तरफ से और अभी यहाँ पर फिनिश ऑफ भी करे जाएंगे. टीम बीआई अर्थर के प्लेयर्स यहाँ पर बेहतरीन तरीके से यहाँ पर जो फिनिश है यहाँ पर पॉइंट सिक्योर करे. टीम एनएसजी स्पोर्ट्स के प्लेयर्स देखने मिल जाएंगे. फ्लेक्स गोल्ड लास्ट मैच में बहुत जल्दी एलिमिनेशन हो गए थे बट उसके बाद इनकी टीम ने क्या बेहतरीन इनिशिएशन निकाला था अपनी टीम के लिए, कुछ क्रूशियल फिनिशर्स यहाँ पर निकाले थे बट स्पॉट आउट करने का ट्राई आउट कर रहे हैं घोड़ा, कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शंस बनाने का ट्राई आउट जरूर करेंगे. बट नाउ दिस टाइम टीम गॉड लाइक प्लेयर्स, बात करें टीम गॉडल क्रॉन्टन देखने को मिल जाएंगे. एक्सपीरियंस प्लेयर है, एक सदन पार्ट्स ऑफ द आइलैंड्स की तरफ से यहाँ पर ये रोटेशंस जा रही है. मुश्किल बढ़ जाएगी क्योंकि एक मल्टीपल नंबर ऑफ जो टीम्स है वहां से रोटेशन करने वाली है. ब्लेंडर यहाँ पर किसी भी क्षण को देखने को मिल जाएगा. लोज अपने व्हीकल्स के साथ जो मूव ऑन है करते हुए जाएंगे. इनके बहुत ज्यादा क्लोजिंग विसिनिटी से यहाँ पर जो क्रप्टर है रोटेशन स्टार्ट यहाँ पर कर चुके हैं. क्रूटर यहाँ पर बात कर लीजिए बट दोनों ही टीम्स फिलहाल थोड़ा सा एक दूसरे से आइसोलेटेड है तो ईजी यहाँ पर रहेगा नहीं. घोड़ा भी क्लब स्टिल यहाँ पर टेक डाउन है. फ्लेक्स God being the now solo player standing for the team right now. Can he able to clutch it out this 1v2 scenario? अगर यहाँ से एक 1v2 निकालते हैं, एक 1v3 यहाँ पर मुकाबला जो है बन चुका है. इस battle में यहाँ पर कहीं ना कहीं Flex God को अपने reflex यहाँ पर दिखाने पड़ेंगे, but उससे पहले ये grenade का सामना करना पड़ेगा जिसमें यहाँ पर एक बहुत ज्यादा जो damage इनको यहाँ पर deal out करने को मिला है. बट हल्का सा पिक्सल्स यहाँ पर चूके. यूनिकॉर्न की बात कर ली जाए, अगर ये किल यहाँ पर यूनिकॉर्न के बैग में ना जाता ना सो आई थिंक सो बहुत जल्दी ये जो किल है टॉक्सिक के बैग में जा सकता है, तो क्योंकि ऑलरेडी वो एनक्लोजर कर चुके थे बट जैसे ही क्राउड से स्टैंड हुए कंप्लीटली यहाँ पर जो पनिश आउट है करा गया. बट अगर बात करी जाए गाइस लॉस लियोनिस के रीजन में कंप्लीटली यहाँ पर जो टीम से एक बहुत ज्यादा बड़ा रीजन रहता है. कंक्रीट कवर सब इकला पर फिलहाल हमको देखने को मिल जाते हैं ये लॉस लियोनिस के रीजन एंड यहाँ पर फिलहाल टीम एक्सपीओ यहाँ पर बात करें बिल्कुल यहाँ पर टीम एक्सपीओ के प्लेयर्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे. साइपन जीआई देखने को मिल जाएंगे, क्रिटर ओमेगा एंड पग बॉय अभी यहाँ पर जो देखने को मिल जाएंगे. बट टीम ई स्टार्स के प्लेयर्स स्टिल बैक टू बैक अभी यहाँ पर जो टेक डाउन है करे जा रहे हैं. कैंग ओपी की बात कर ली जाए, कैंग ओपी बींग द नाउ सोलो प्लेयर स्टैंडिंग फॉर द टीम राइट नाउ, आगाज इनके लिए बिल्कुल भी यहाँ पर जो है बेहतरीन हुआ नहीं है. अंजाम देखना पड़ेगा यहाँ पर किस तरह से करने वाले वेयर इस टीम क्रिएटिव. बट फिलहाल अभी यहाँ पर उससे पहले बात करें यहाँ पर कैंग ओपी के द्वारा कुछ ऑन पॉइंट एम4 के यहाँ पर यूएमपी के साथ जो स्प्रे करने जा रहे हैं विद इन 4x के साथ अंकित के ऊपर कनेक्शन बनाना चाहते थे. बट देखिए प्लानिंग तो सब करते हैं, एग्जीक्यूशन कौन परफेक्ट करता है दैट्स इट्स गोइंग टू बी क्रूशियल. और फिलहाल अभी के लिए कनेक्शन तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं बना पाएंगे बट मुझे लग रहा है थोड़ा सा कैंग ओपी को ना अपनी पोजिशनिंग यहाँ पर चेंज आउट करनी चाहिए क्योंकि कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है पोजिशनिंग कंप्लीटली यहाँ पर जो रिवील आउट है. एंड किसी भी क्षण अगर मालूम चलता है ब्लैक कैट के प्लेयर्स को कि सामने वाला अपोनेंट यहाँ पर आउट नंबर टू, आई एम डेफिनेटली श्योर यहाँ पर जो हंट डाउन करने के लिए एक अटैकिंग अप्रोच यहाँ पर अपनाया जा सकता है. बट C1 अंकित अभी टीम DN4 के इस पे अभी क्लब अल्ट्रॉन को ऑन टू द अदर साइड यहाँ पर टेक डाउन कर देंगे. बट XPO के क्रूटर की बात कर लीजिए कंप्लीटली यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लोजिंग फैसिलिटीज यहाँ पर टीम जी गॉड ऑल के प्लेयर्स के साथ इधर अभी क्लब टेक डाउन है. ध्रुव अभी क्लब टेक डाउन है. क्रॉन 10 का अभी क्लब सब ब्यूटीफुल 1v3 3x अभी क्लब बैटिंग करके ओपन करेंगे बट क्रॉन 10 अभी क्लब टेक डाउन कर देंगे. अब यहाँ पर पूरा का पूरा जो तारों उतारे लोड फटाफट से यहाँ पर जो रिवाइवल का रोल है अदा करना पड़ेगा. और एक सबसे ज्यादा बेहतरीन प्लेयर वही होता है जब आपकी टीम को जिस रोल की जरूरत हो अगर आप अदा कर रहे हो तो आपसे ज्यादा परफेक्शन प्लेयर जो है उस टीम के लिए नहीं है. और अभी के लिए अपन लोज अपनी टीम के लिए पहले तो यहां पर एक सेवियर का रोल अदा करा एंड उसके बाद अब यहां पर रिवाइवल देके फटाफट से रशिंग करने के लिए अटैकिंग अप्रोच के साथ यहाँ पर आगे मूव ऑन कर रहे हैं. बैरल के साथ कुछ ऑन पॉइंट स्पेस जाएंगे अगर कुछ अच्छे कनेक्शंस मिल जाते ओमेगा इट्स भी अली सर्वाइवल गोल्डन एचमेंट आई थिंक सो एक अच्छा खासा हेड कनेक्ट करेंगे ना उसी तरीके से ओमेगा इस मैच से बाहर हो सकते हैं कंप्लीटली. यहाँ पर टीम XPO के प्लेयर्स की बात कर ली जाए एक बैकफुट सिनेरियो में अगेन यहाँ पर टीम गॉर्डल अभी क्लब पर बात कर लिया. क्रॉन्टन ऑन टू द अनदर साइड राइट हैंड साइड के रीजन की तरफ से एक अपर पार्ट ऑफ द रीजन की तरफ से थोड़ा सा रीजन के यहाँ पर जो इस्तेमाल करते हुए धीमे धीमे आगे मूव ऑन करने का ट्राई आउट कर रहे हैं.
आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर क्रॉन्टन एंड लोड्स मिलके इनको यहाँ से डिसंगेज करने देंगे, क्योंकि मालूम है ऑलरेडी टू फिनिशर्स यहाँ पर अपने बैग में सिक्योर कर चुके हैं. बहुत ज्यादा बेहतरीन हो चुका है, अंजाम देखना पड़ेगा किस तरह से देंगे. टीम गॉड लाइक यहाँ पर बेहतरीन तरीके से यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है यहाँ पर दिखा रहे हैं. क्रॉन्टन सर यहाँ पर बेहतरीन तरीके से खेल रहे हैं. लोल्स यहाँ पर बेहतरीन तरीके से अपना जो परफॉर्मेंस अपनी छाप छोड़ते हुए ये टीम जो नजर आ रही है बिल्कुल. बट लेकिन इजी अभी भी यहां पर नहीं है, ये तो इस मैच का स्टार्ट है. 18 टीम्स आर टोटल टू सर्वाइविंग नाउ इन दिस मैच. समझना पड़ेगा, संभलना पड़ेगा आगे, और ऐसी जो कुछ अच्छी फाइट्स हैं अपने फेवर में निकालनी पड़ेंगी विदाउट एनी प्लेयर लॉस. मैच अभी भी यहां पर जो देखने को मिल जाएंगे, टाइको के रेजर देखने को मिल जाने वाले हैं, एलिस एमएल सैम अभी भी यहाँ पर देखने मिल जाएंगे, बट इनके बहुत ज्यादा क्लोजिंग विसिनिटीज में टीम बाला वाईटी के प्लेयर्स स्टिल अभी भी यहाँ पर खेलते हुए जाएंगे. एक बार गाइस लोल्स ओपी इन द चैट एंड क्रॉन्टन ओपी इन द चैट हो जाना चाहिए गाइस फटाफट से. एंड नाउ दिस टाइम एमएल सैम देखने को मिल जाने वाले कंप्लीटली. टीम बाला वाईटी के प्लेयर्स बहुत ज्यादा इंक्लोजर यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे, बट पहले मैच में भी कुछ इसी क्षण यहाँ पर एनक्लोजर करा था तो फिनिश ऑफ हो चुके थे. बट इस बार समझना पड़ेगा, संभलना पड़ेगा, क्योंकि मीरामार के मैप में डैमेज वेयरिंग कैपेसिटी व्हीकल्स की बहुत ज्यादा कम हो जाती है, और अगर कुछ अच्छे स्प्रेज आते हैं तो टेक डाउन करे जाएंगे. और मैश के द्वारा टेक डाउन कर दिया गया है, अपनी SKS बोल्ट एक्शन का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, और एक एक करके टीम बाला वाईटी के प्लेयर्स को बैकफुट सिनेरियोस में बैक स्टेप करा जा रहा है, बैकफुट सिनेरियोस में अपन ढकेला जा रहा है, और टफ टाइम अभी के यहाँ पर डील आउट करती हुई नजर आएगी. फिलहाल ही यहाँ पर टीम बाला वाईटी के प्लेयर्स सिंह दिखाई देंगे एंड मयंक स्टिल अभी भी यहाँ पर जो है खेलते हुए नजर आने वाले हैं. या बिल्कुल कंप्लीटली यहाँ पर जो खेलते हुए नजर आ रहे हैं टीम टाइको के प्लेयर्स. फिलहाल अभी भी यहाँ पर जो एमएल सैम को यहाँ पर रिवाइवल एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, कितनी ज्यादा यहाँ पर जल्दी जो रिवाइवल मिलेगा उतना ज्यादा यहाँ पर बेहतर रहने वाला है हर किसी टीम के लिए, क्योंकि देखिए प्लेयर ज्यादा देर तक डॉकडाउन रहेगा तो मुश्किल यहाँ पर आपके पास भी पड़ेगी, क्योंकि कवर फायर हर समय यहाँ पर हर टीम को दरकार रहेगा. बट थंडर स्टिल आई डोंट थिंक सो कि अब इनके पास कोई चांस बचा है कि रिवाइवल मांगने का. सिंह की बात कर ले, मयंक यहाँ पर ऑलरेडी बहुत ज्यादा आइसोलेटेड दिखाई दे रहा अपने टीममेट से. AKM के साथ जो शॉट्स है बनाने का जो प्रयास स्टिल अभी भी जारी रहने वाला है. बट सिंह सो नाउ दिस टाइम आई थिंक सो M4 एंड AKM के साथ मूव ऑन कर रहे हैं. फिलहाल अभी के कुछ आइसोलेट कुछ क्रिएटिव फ्लैंक्स यहाँ पर डाले जा रहे हैं, बट अगर बहुत ज्यादा ओपन में जाएंगे तो आई एम डेफिनेटली श्योर यहाँ पर पनिश आउट करा जाएगा, बट मैच को अभी के स्पॉट आउट कर लिया जाएगा. कुछ ऑन पॉइंट M4 कनेक्शन यहाँ पर बनाना चाहते थे, ट्राई आउट करा मैच के ऊपर 40% यहाँ पर जो डैमेज है जरूर डील आउट करा. बट सिंह अभी भी यहाँ पर जैसे हल्का सा ओपन में गए एमएल सैम को मिल चुका है यहाँ पर रिवाइवल, कोई भी चांस जो यहाँ पर देंगे नहीं. बैक टू बैक टेक डाउन करे जाने का जो प्रयास है दोनों ही तरफ से रहेगा, पर चलते उसके चलते टीम बाला वाईटी थोड़ा सा आउट नंबर है. इनको बस यहाँ पर इस चीज का जो ध्यान है वो खासा तौर पर रखना पड़ेगा. अगर थोड़ा सा भी अनवांटेड पीक या फिर कुछ कैजुअलिटी अब यहाँ से अगर होती है सो आई डोंट थिंक सो कि अब यहाँ से ये अफोर्ड कर पाएंगे, क्योंकि अब यहाँ से एक प्लेयर टेक डाउन रिवाइवल मिलना एक लगभग से यहाँ पर जो है ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा. और इस मैच में यहाँ पर जैसे जैसे आप हर किसी मैच में यहाँ पर बात कर लीजिए, मैप कोई भी रहा अगर आप आउट नंबर होते जाते हो तो वो मैच आपसे उतना ज्यादा जो दूर है जाता जाएगा. एंड फटाफट से स्टिल मैच अभी भी देखने को मिल जाएंगे, एमएल सैम स्टिल अभी भी यहां पर जो सर्वाइवल है करते हुए नजर आएंगे. एंड टीम OXC अल्ट्रॉन OXY अल्ट्रॉन दिखाई देंगे, ट्रांस दिखाई देंगे यहां पर, एम के सासू सोजी दिखाई देंगे, बागा दिखाई देंगे एंड अल्ट्रॉन स्टिल अभी भी यहाँ पर खेलते हुए जाएंगे. जंक यार्ड के गाइस ये रीजन रहने वाले कंप्लीटली ये टीम एक सेंट्रल सेंटर ऑफ द जोन में. एंड नाउ दिस टाइम टीम सी एरेक्स के खान अभी के लिए ट्राइंग टू प्रेशराइज फ्रॉम द मोलेटॉक्स एंड ट्रिबल्स के साथ यहाँ पर कमिंग स्टफ का कुछ बेहतरीन तरीके से यहाँ पर जो स्टफ ग्रेड्स का यहाँ पर जो इस्तेमाल करा जा रहा है. बट नॉट दिस टाइम खान अभी के लिए स्मोक्स करेंगे और अभी के फिलहाल अपनी टीम को यहाँ पर जो रिवाइवल देना चाहते हैं बट व्हीकल जैसे ही बस डाउन हो गया आई थिंक सो खान भी यहाँ पर किसी भी क्षण फिनिश ऑफ कर दिए जाएंगे. एंड टीम MAC के काश के प्लेयर्स ने बेहतरीन तरीके से यहाँ पर जो व्हीकल है वो यहाँ पर बस डाउन करी और मुश्किल यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया. बट ऑन टू द अदर साइड इनको भी व्हीकल बस डाउन करके टेक डाउन करा जाएगा.
था टीम माया थीमिंग की साइड से, थोड़ा सा डाउन द रिज है एंड डिस्टेंस बींग द फैक्टर, सो आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर जो रशिन है देखने को मिलने वाला है, इतना ज्यादा इजी यहाँ पर रहने वाला नहीं है दोनों ही टीम्स के लिए। बट फिलहाल थोड़ा सा अगर एक हायर ग्राउंड की बात करी जाए, क्योंकि शमीनामार के मैप में हम सब जानते हैं जिनके पास शुरुआत से हायर ग्राउंड रहता है वो टीम अपने लिए यहाँ पर बेहतरीन तरीके से यहाँ पर जो गेम है बना सकती है। अमृत देखने मिल जाएंगे, कैश देखने मिल जाएंगे, कोविड देखने मिल जाएंगे, गेम ऑफ व्हाइट स्टिल अभी भी यहाँ पर जो है खेलते हुए नजर आने वाले, बट जंक यार्ड के रीजन रहेंगे फिलहाल यहाँ पर कंप्लीटली, जंक यार्ड ट्वेन सासुई एंड बागा एंड अल्ट्रॉन स्टिल अभी भी यहाँ पर जो खेलते नहीं जाएंगे, बट इनके बहुत ज्यादा क्लोजिंग विसिनिटीज में यहाँ पर मुझे लोल्स अभी यहाँ पर तैनात दिखाई दे रहे, हिल्स यहाँ पर पॉपअप करेंगे, क्रॉन्टन ऑलरेडी यहाँ पर टेक डाउन है, रिवाइवल की यहाँ पर जो आवश्यकता है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। एम वॉन्टेड की बात कर ली जाए बिल्कुल भी यहाँ पर टीम एम ई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स चाहेंगे नहीं कि यहाँ पर क्रॉन्टन को छोड़ा जाए, स्टिल यहाँ पर ध्रुव अभी भी जो स्मोक करके बचाने का जो प्रयास है जारी रखेंगे, बट लोल्स के द्वारा एक ऑफ गार्ड एंगल यहाँ पर क्रिएट कर लिया जाएगा। क्या अब यहां से लोल्स अपनी बैरल विद एन M4 के साथ कुछ चमत्कार यहां पर करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि देखिए 2v3 की फाइट है, इजी यहां पर रहेगा नहीं, ध्रुव के द्वारा यहां पर अजय को थोड़ा सा टेक डाउन करना पड़ेगा, बट यहां पर करा जा सकता है क्योंकि अजय इट्स रियली सॉगन गोल्डन एचपी, बट थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा दोनों ही प्लेयर्स को, क्योंकि अगर यहां से ये टेक डाउन होता है तो प्लेयर्स प्रायोरिटी बिल्कुल इनका पॉजिटिव, बट टीम डी एंड 4 के अटैची को अगला पर कर दिया गया, शॉट्स अभी यहां पर ले जा रहे अटैची, अभी यहां पर करेंगे व्हीकल सेक्शन, इट्स गोइंग टू बैन बैन होंगे, बहुत ज्यादा डिसाइडर बन गए जो फाइट रहने वाली क्रूशियल, किस तरीके से यहाँ पर मल्टीपल नंबर ऑफ फाइट्स यहाँ पर एक बहुत ज्यादा जो टीम्स यहाँ पर ब्लेंडर हो रही है, एक तरफ यहाँ पर टीम गॉड लाइक, दूसरी तरफ यहाँ पर बात कर ली है टीम एम के प्लेयर्स, स्टिल अभी भी यहाँ पर जो 11 है टेक डाउन है लोल्स के द्वारा, कुछ ऑन पॉइंट M4 स्प्रेस जाएंगे जिसके चलते यहाँ पर जो एक टेक डाउन निकाला है और बिल्कुल इस छोटे से यहाँ पर वुडन शेक का यहाँ पर बेहतरीन तरीके से जो इस्तेमाल है करा जा रहा है। मालूम है ओपन सी रेडियस में जाएंगे तो मुश्किल बढ़ सकती है और मल्टीपल नंबर ऑफ जो शॉट्स है अब यहाँ पर आएंगे एंड लोल्स को प्रोन डाउन होने पर यहाँ पर मजबूर करा गया। ध्रुव वाइटी की बात के लिए टीम DN4 के इटैची को टेक डाउन करा था विदाउट टेकिंग एनी डैमेज, क्या यहां पर इटैची को रिवाइवल मिला? जी हां बिल्कुल यहां पर रिवाइवल मिला और कंफर्मेशन के लिए यहां पर आगे जो है ना ध्रुव ने बिल्कुल भी मूव ऑन करा नहीं, क्योंकि उनको भी मालूम है कि आई थिंक सो अब यहां से अगर कंफर्मेशन लेने जाते हैं तो हम अपना भी कंफर्मेशन दे सकते हैं। टीमर सी गेमिंग के प्लेयर्स स्टिल अभी भी यहाँ पर इस मैच में यहाँ पर जो बने रहेंगे फोर मैन सीनारियोस के साथ यहाँ पर शॉट्स लेने का जो प्रयास स्टिल अभी भी जारी रहने वाला है। लोल्स की पोजीशनिंग से यहाँ पर कंप्लीटली कॉम्प्रोमाइज है सोजी के द्वारा एंड आई थिंक अगर यहाँ से कुछ ऑन पॉइंट थ्रोएबल जाता है ना तो मुश्किल यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, बट SKS एंड SLR मिनी 14 एंड M16A4 का जरूर यहाँ पर टीम्स यहाँ पर बेहतरीन तरीके से यहाँ पर जो इस्तेमाल है करती है, बट फिलहाल SKS एंड SLR ये दो ऐसे DMR एक्सेस है जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा जो ग्राइंड है वो करना पड़ेगा, क्योंकि इनका रिक्वायल का जो फेज रहता है वो इतनी आसानी से आप जो है ना कंट्रोल कर नहीं सकते। एक तरफ से ध्रुव यहाँ पर ऑफ गार्ड एंगल्स यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, दूसरी तरफ यहाँ पर लोल्स यहाँ पर जो है एक वन साइडेड हैंडली अभी यहाँ पर डोमिनेशन जो है दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, बट एक ही फिनिश किया अभी तक यहाँ पर फिलहाल बैग में। दोनों ही तरफ से यहाँ पर जो थ्रेबल्स यहाँ पर जाने का जो प्रयास है जारी रहेगा। AIM AJYT स्टिल अभी भी यहाँ पर इस मैच में सर्वाइवल करेंगे। टीम वॉन्टेड गेमिंग के प्लेयर्स कितना ज्यादा यहाँ पर जो है आराम से खेलेंगे एंड कितना ज्यादा यहाँ पर चिलैक्स होकर यहाँ पर खेलने वाले, कितना ज्यादा चिल आउट होकर खेलेंगे वो तो यहाँ पर फिलहाल मालूम चल जाएगा, बट क्या स्ट्रेटजी है, क्या यहाँ पर स्ट्रेटजी में एक परफेक्ट एग्जीक्यूशन फिलहाल अभी यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा। दैट इज गोइंग टू बी एन क्रूशियल एंड वर्टेक्स बीइंग द नाउ सोलो एंड बिल्कुल इनके लिए एक 1v2 का सिनेरियो। हीरो एक्स अभी यहाँ पर फिलहाल जो हमको तैनात दिखाई देंगे, चचा ओपी अभी यहाँ पर जो खेलते हुए नजर आ जाने वाले, बैक टू बैक अभी यहाँ पर बार बार के साथ कुछ आउटपुट यहाँ पर प्रेस करे जाएंगे। हीरो एक्स की बात कर ली जाए, हीरो एक्स रियली सबैगन गोल्डन एचपी एंड आई थिंक सो वर्टेक्स कमिंग विद अ सम ब्यूटीफुल 1v3 एंड हैविंग द फाइनल लाफ इन दिस वाइड एंड बिल्कुल अब यहाँ से जोन के अंदर जाना भी इतना ज्यादा कठिन रहने वाला नहीं है, क्योंकि कंप्लीटली ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द रीजन की तरफ पर बात की है। वर्टेक्स को छोड़कर अगर पीछे अगर इनके कोई टीम आ रही है वो टीम रहेगी कंप्लीटली टीम घोस्ट ओपी के प्लेयर्स, बिल्कुल यहाँ पर टीम घोस्ट ओपी के प्लेयर्स यहाँ पर दिखाई देने वाले हैं। यहाँ पर विजय दिखाई देंगे, सूर्य दिखाई देंगे, फॉक्स ओपी एंड यहाँ पर रेवन टेडी ओपी स्टिल अभी भी यहाँ पर जो खेलते हुए नजर आएंगे, बट जंक यार्ड के रीजन की बात कर ली जाए
सोसी ट्रांस बागा एंड अल्ट्रॉन स्टिल अभी भी यहाँ पर जो है खेलते नजर आएंगे, बट फिलहाल यहाँ पर अगर बात करें सोसी के यहाँ पर बिल्कुल कुछ ऑन पॉइंट M4 स्प्रेस जाएंगे, बट आई थिंक उससे पहले यहाँ पर जो फिनिशर्स यहाँ पर सिक्योर कर लिए गए थे यहाँ पर क्लॉथ थ्रू वाइटी भी अभी इस मैच से यहाँ पर बाहर जो कर दिए जाएंगे। अब कंप्लीटली लुक्स के ऊपर पूरी की पूरी जो जिम्मेदारी है वो आ चुकी है, अपनी टीम को कितना ज्यादा बेहतरीन तरीके से यहाँ पर जस्टिफाई करवाएंगे ये बहुत ज्यादा क्रूशियल रहने वाला है। क्या यहाँ से कितनी ज्यादा देर तक सर्वाइवल कर पाएंगे, एक ये बहुत बड़ा जो क्वेश्चन है जहन पर रहेगा, क्योंकि कंप्लीटली आउटसाइड ऑफ द जोन हो चुके हैं, और आउटसाइड ऑफ द जोन अगर आपको सर्वाइवल करना है उसके लिए या तो फिर आपके पास हीलिंग अच्छी होनी चाहिए या फिर एक्सपीरियंस, और वो एक्सपीरियंस अभी के लिए आप फिलहाल लोल्स में तो देखने को मिलता है, ये हम सबको मालूम है। इस प्लेयर को बता दें कि देखिए कोई इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने नाम से और अपने काम से दोनों तरह से यहाँ पर जो जाने जाएंगे और अपनी टीम के लिए एक ढाल वाला जो रोल है ना अदा करते हैं, ढाल बनकर खेलते हैं और बेहतरीन तरीके से यहाँ पर इन दैट जो फाइट्स अपनी टीम के नाम करते हैं। बट टीम DN4 Esports ईस्प्रे ओपी फिलहाल देखने को मिल जाएंगे, एस्ट्रिक्स देखने को मिल जाएंगे, इंडिटैच स्टिल अभी भी यहाँ पर चेक खेलते नजर आएंगे, जैनी गॉड अभी यहाँ पर स्मार्ट से फिनिश ऑफ हो चुके हैं, एंड कंप्लीटली वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द रीजंस की तरफ से यहाँ पर कंप्लीटली जो मूव ऑन करा, एंड मिनास ग्रेनल्स के रीजंस कंप्लीटली जोन के अंदर है। टीम माया गेमिंग के प्लेयर्स अभी भी यहाँ पर जो फिलहाल जो रोटेशन से यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं, टीम मैक एक्स गेमर वाईटी स्टिल अभी भी यहाँ पर जो खेलेंगे, बिल्कुल मैक्स एक्स गेमर वाईटी अभी अलावा फुट के ऊपर जो कनेक्शन से यहाँ पर बनाएंगे, अमित का भी यहाँ पर फिनिशर्स पॉइंट से यहाँ पर सिक्योर करवाएंगे, एंड टैची को भी यहाँ पर टेक डाउन करा जाएगा। टीम FIE Esports इस मैच से यहाँ पर कंप्लीटली यहाँ पर जो है बाहर हो चुकी है, एंड टीम मैक दिस टीम इज लुकिंग सुपर ब्राइट नाउ यहाँ पर बात कर लीजिए, कंप्लीटली यहाँ पर फोर्थ जोन के अंदर जो है ना आपको मूव ऑन करना पड़ेगा इजी, यहाँ पर देखिए फिलहाल किसी भी टीम के लिए नहीं रहता फोर्थ जोन के अंदर मूव ऑन करना, क्योंकि वो जोन एक ऐसा शिफ्ट रहता है ना, एक हार्ड जोन रहता है, और फोर्थ टू सिक्स जोन जो गेम का इंटेंस है, जो क्यूरियोसिटी है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, मुश्किल यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बट लेट्स सी देखते हैं प्लेयर्स हाउ कैन इट हैंडल, यहाँ पर किस तरह से जो मैनेज है वो करेंगे। ऑक्सी के अल्ट्रॉन की अगर यहाँ पर बात कर लीजिए, कंप्लीटली यहाँ पर टीम अरसी गेमिंग की अगर यहाँ पर बात करी जाए, टीम वांटेड को भी यहाँ पर स्पॉट आउट करा है, बिल्कुल यहाँ पर जो शॉट्स है टीम वांटेड गेमिंग के प्लेयर्स जो ऊपर यहाँ पर लिए जा रहे हैं अल्ट्रॉन के द्वारा, एक हाथ में M4 दूसरे हाथ में M24 एंड एक डेडली डिस्ट्रक्टिव डुओ कॉम्बो है, जिससे कि आप अपने अपोनेंट्स को पूरी तरीके से यहाँ पर धाराशाही कर सकते हो। बट टीम वांटेड गेमिंग वर्सेस यहाँ पर टीम अरसी गेमिंग स्टिल अभी भी यहाँ पर सर्वाइवल चल रहा है, यहाँ बिल्कुल ये बैटल अभी यहाँ पर किसी भी क्षण यहाँ पर इनिशिएट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लोजिंग फैसिलिटीज में यहाँ पर दोनों ही टीम से यहाँ पर आ चुकी है। सर्सी की बात कर लिया, बट वांटेड यहाँ पर बेधड़क अभी यहाँ पर जो नशीन यहाँ पर कर रहे हैं, बट इजी के लिए नहीं रहेगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर आउट ऑफ बैंड है, 3v4 का सिनेरियो, DN4 स्प्रे की तरफ से यहाँ पर जाएगा ये ग्रेनेड, एंड क्रैश ओपी को अभी यहाँ पर जो टेक डाउन करेगा, बट अल्ट्रॉन के द्वारा यहाँ पर वांटेड के ऊपर भी स्प्रे आने वाला है, टेक डाउन करने का जो प्रयास जारी रहेगा, बट एक ऑड पॉइंट एक ऑड टाइम यहाँ पर अपने आप को कवर में लाएंगे। यहाँ पर सॉसी स्टिल अभी भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर रुकमन को टेक डाउन करा जाएगा एज वेल एज यहाँ पर कंप्लीट यहाँ पर फिनिश ऑफ करा जाएगा, बट ऑन टू द अदर साइड यहाँ पर लोल्स अपनी टीम के लिए यहाँ पर कुछ क्रूशियल फिनिशर्स यहाँ पर सिक्योर करेंगे, एंड आई थिंक सो इस साइड द जोन जाने के लिए फटाफट से यहाँ पर जो हीलिंग बैटल से यहाँ पर इस्तेमाल करने पड़ेंगे, लास्ट एक फर्स्ट एड है, कितनी ज्यादा फर्स्ट एड जिनको क्रेडिट से मिलती है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लूट तो अभी यहाँ पर कंप्लीट जरूर कर रहे हैं, 3 फर्स्ट एड है, व्हीकल्स नहीं है, व्हीकल्स यहाँ पर जल्दी से जल्दी यहाँ पर फाइंड आउट करनी पड़ेगी, एंड आई डोंट थिंक सो कि अगर इस व्हीकल्स के साथ मूव ऑन करेंगे तो जोन के अंदर एंट्रेंस देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक नदर पार्ट्स ऑफ द आइलेट्स की तरफ से यहां पर जो गैप है देखने को मिलेगा, एंड ये देखिए देखते ही यहां पर टीम अरसी गेमिंग के प्लेयर्स यहाँ पर टेक डाउन हो चुके हैं, सॉसी के पास ऑलरेडी यहाँ पर बहुत ज्यादा लोअर ग्राउंड में, बट उसके बावजूद यहाँ पर अजय को कुछ और पॉइंट यहाँ पर स्पॉट आउट करेगा, टेक डाउन कर जाएगा, वांटेड गेमिंग इन टू बी एट ट्रबल लाइक नाउ, एंड कंप्लीटली यहाँ पर एक टफ टाइम्स यहाँ पर बहुत ज्यादा इस बैटल में यहाँ पर डील आउट करा, ब्लास्टर ओपी अभी यहाँ पर कंप्लीटली ऑफ गार्ड एंगल यहाँ पर कुछ फ्लैंकिंग रोटेशन के लिए अभी यहाँ पर मूव ऑन कर रहे हैं, ब्लास्टर आपको थोड़ा सा जो चौकन्ना है रहना पड़ेगा, क्योंकि अब आप यहाँ से इकलौते प्लेयर सर्वाइवल कर रहे हो, एंड अगर आई थिंक सो अगर ब्लास्टर यहाँ से फिनिश ऑफ होते हैं तो कंप्लीटली यहां पर टीम वांटेड गेमिंग यहां पर बात कर ली जाए, टीम वांटेड गेमिंग की भी जो मुश्किलात है वो कहीं ना कहीं यहां पर फिनिश ऑफ हो सकती है, या बिल्कुल यहाँ पर टीम वांटेड गेमिंग की तरफ से ब्लास्टर कंप्लीटली यहाँ पर साइड द जोन ले आया है, टीम DN4 Esports की बात कर लीजिए कंप्लीटली यहाँ पर जो साइड द जोन है यहाँ पर मूव ऑन कर चुके, टीम XPO के डोमिनिक यहाँ पर, टीम डोमिनिक के प्लेयर्स अभी यहाँ पर फिलहाल थोड़ा सा डोमिनेशन यहाँ पर नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि डोमिनिक
ऑलरेडी यहाँ पर आउटसाइड ऑफ द जोन यहाँ पर फिनिश ऑफ एड आई डोंट थिंक सो यहाँ पर इतनी ज्यादा आसानी से जो एंट्रेंस है यहाँ पर मिलेगी। वेजर स्टिल अभी भी यहाँ पर जो सर्वाइवल आउट करेगा बट कहाँ पर प्रोवन टाउन है कातिल यहाँ पर वॉर्टेक्स बात कर लीजिए कंप्लीटली बिल्कुल एक ट्रेड बिल्कुल एक स्टेयर्स के नीचे कवर में यहाँ पर तैनात थे एंटी मेगा बॉय गेमिंग इसी के साथ यहाँ पर इस बात से भी यहाँ पर जो है अर्ली एग्जिट लेगी टेन हैशटैग टेन अभी यहाँ पर जो फिनिश ऑफ है लोल्स के द्वारा एक शानदार रोटेशन एक वाइडर रोटेशन फिलहाल विटनेस करने को मिल रही है बट देखते देखते टीम एमएसी के प्लेयर्स ने इस पॉइंट पर बड़ा मुश्किल लाइन यहां पर बनेगी बट ये देखिए एआई यू गो द टीम माया गेमिंग अभी क्लब पर अपने स्पेस प्रोन डाउन होकर यहां पर जो हैंडल आउट है यहां पर कर रही है एक-एक करके टेक डाउन करा जाएगा कंफर्मेशंस यहां पर जो है सिक्योर करी जा रही है रिजेस की बात कर लीजिए अमृत कंप्लीटली यहां पर प्रेशराइज क्योंकि पीछे से यहां पर जो जोन है ऑलरेडी यहां पर आउट रन कर चुका है अब इनको यहां से जोन को आउट रन करना पड़ेगा बट आई डोंट थिंक सो यहां पर हीलिंग्स बैटल ज्यादा देर तक चल पाएगी क्योंकि लास्ट टू फर्स्ट एड्स है एंड वीकर्स के साथ अगर आप रोटेशन करते हो तो अभी आपको देखने को मिला ही जैसे ही लोल्स को एलिमिनेट करा टीम एमएसी के प्लेयर्स ने वैसे ही टीम माया गेमिंग्स ने उनको यहाँ पर स्पॉट आउट करके कंप्लीटली यहाँ पर मैच से बाहर कर दिया एंड दैट्स ब्यूटी ऑफ मिरामार क्योंकि कंप्लीटली जब एक आप एक हायर ग्राउंड के रीजन की तरफ यहाँ पर एक्वायर्ड रहते हो ऑक्यूपाइड कर लेते हो ना वो रीजन को तो आपके पास कुछ अच्छे खासे एंगल्स देखने को मिल जाते हैं जहां से आप बढ़िया तरीके से जो फिनिशर्स है वो सिक्योर कर सकते हो अपनी टीम के लिए और कुछ अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन जो आप प्रोवाइड करवा सकते हो कि भाई कहाँ से जो रोटेशन से यहाँ पर गई है किस जगह पर जो व्हीकल है वो स्टॉप आउट हुआ है टीम डी एन फोर की बात कर ली जाए कंप्लीटली मूव ऑन तो करना पड़ेगा टीम माया गेमिंग के प्लेयर्स को और उनके लिए टीम डी एन फोर के इटैची कंप्लीट यहाँ पर तैनात है ई स्प्रे यहाँ पर तैनात है एंड एस्ट्रिक्स भी अभी के यहाँ पर जो स्टिल है ना तैनात बैठे हुए देखिए कोई ना कोई हर किसी के लिए गेट कीप करता है और फिलहाल अभी के लिए टीम डी एन फोर के जो प्लेयर्स है वो काम यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं टीम टाइको रेजर अभी भी यहाँ पर जो स्टिल है गाइस खेलते हुए नजर आ जाएंगे एमिल सैम देखने को मिल जाएंगे एक बेहतरीन टीम है बिल्कुल एक डुओबल सीरीज के साथ इस मैच में जरूर यहाँ पर सर्वाइवल आउट है यहाँ पर कर रहे हैं बट नाउ दिस टाइम सिक्स टीम यहाँ पर बात करें टॉप सिक्स टीम्स अभी यहाँ पर इस मैच में जो सर्वाइवल आउट है कर रहे हैं 14 प्लेयर्स आर अलाउड दिस टाइम इस मैच में आगे बढ़ेंगे एट सिक्स्थ जोन स्टिल जो है ना सेकंड यहाँ पर जो इस सिक्स्थ जोन है यहाँ पर शिकी गोरे स्टार्ट हो जाएगा विद इन अ फ्यू सेकंड्स डिटैची अभी के लिए जो स्प्रे आउट करेंगे बट फिलहाल ई स्प्रे ओपी अभी के लिए पर टेक डाउन हो चुके हैं जी हाँ थोड़ा सा यहाँ पर समझना पड़ेगा सभी प्लेयर्स को यहाँ पर एक दूसरे के गेम प्ले के स्टाइल के ऊपर यहाँ पर डॉट की बात कर लीजिए डॉट के द्वारा कुछ यहाँ पर बात कर मैक्स आउट के द्वारा अभी यहाँ पर कुछ ऑन पॉइंट जो स्प्रेज है यहाँ पर जाएंगे और फिलहाल टीम डोमिनिक के प्लेयर्स क्या लास्ट मैच में भी तो डोमिनेशन देखने को मिला था हैशटैग टू यहाँ पर आए थे बट जी नहीं इस बार हैशटैग सिक्स के साथ जो गुजारा है यहाँ पर करना पड़ेगा और एक एक करके टीम डोमिनिक के प्लेयर्स भी इस बात से बाहर हो चुके हैं बट स्टिल अभी भी जो रेवन है वो कंप्लीटली यहाँ पर जो है ना सर्वाइवल आउट यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे रोशन लोब ओपी ओपी कासिक दीपक रोशन लोबो ब्रदर वेलकम टू द स्ट्रीम बट नाउ दिस टाइम गाइस अगर बात कर लीजिए बेहतरीन तरीके से जो फाइट्स अपना जो इनिशिएशन यहाँ पर दिखाया है टीम डी एन फोर के प्लेयर्स अभी भी यहाँ पर देखने मिल जाएंगे लव फ्रॉम मैनियक अरे भाई थैंक यू सो मच मेरे दोस्त एंड गाइस जो भी लोगों को कास्टिंग अच्छी लग रही है थैंक्स फॉर द एप्रिशिएशन बट नाउ दिस टाइम गाइस लोल्स ओपी बिल्कुल यहाँ पर भाई अच्छे लोल्स तो भाई बिल्कुल ओपी है और एमल सैम स्टिल अभी भी यहाँ पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं एवरेक्स बहुत देखने मिल जाएंगे मैर गेमिंग देखने मिल जाएंगे INC Goblin देखने को मिलेंगे बट एमल सैम कंप्लीटली आउटसाइड ऑफ द जोन फिनिश ऑफ यहाँ पर कंप्लीटली अब स्मोक से अंदर अपने आप को बचा चुके थे बट स्प्रेस आएंगे अनफॉर्चुनेटली इस मैच से बाहर जाना पड़ेगा बट गॉब्लिन को स्पॉट आउट कर दिया गया है रेविन टेडी ओपी स्टिल अभी भी अपने आप को बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से यहाँ पर जो मैनेज आउट कर चुके हैं थ्रोएबल्स यहाँ पर आ रहे हैं कनेक्शन यहाँ पर इतने ज्यादा अच्छे फिलहाल ही में अभी तो इतना नहीं बने हैं बट ट्राई हार्ड जरूर करा जा रहा है टीम माया गेमिंग के द्वारा की जो कनेक्शन है बनाया जाए क्योंकि लास्ट 26 है और एक एक जो फिनिश पॉइंट है वो आपको इस पॉइंट टेबल में जो ऊपर है रखेगा यूट्यूबर्स बैटल में एंड लेट्स सी देखते हैं कौन सी वो टीम्स होंगी जो हैशटैग वन के साथ यहाँ पर जो यूट्यूबर्स बैटल में टॉप है वो करेगी टीम एमएक्स सौजी के प्लेयर्स अभी यहाँ पर जो फिलहाल है खेलते हुए नजर आएंगे ट्रांस अभी भी यहाँ पर जो है खेलते हुए नजर आने वाले ई एक्सा बॉट माया गेमिंग के प्लेयर्स अभी भी यहाँ पर जो तैनात रहने वाले गॉब्लिन को स्पॉट आउट किया जाएगा रेवन टेडी ओपी पीछे से यहाँ पर जो बैक स्टेप है वो करना चालू हो चुके टीम डी एन फोर के प्लेयर्स को भी ऑन टू नजर आएगा जोन के अंदर जो एंट्रेंस है करनी पड़ेगी बट ईजी नहीं लग रहा है आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर टीम एसई गेमिंग के जो प्लेयर्स है उनको मूव ऑन करने देंगे एक एक करके टेक डाउन इस पे ओपी को भी टेक डाउन है वो करा जा रहा है
एंड यहाँ पर ट्रांस एक बेहतरीन तरीके से यहाँ पर जो रोल है अपनी टीम के लिए अदा कर रहे हैं। ईस्प्रे गेमिंग को फिनिश ऑफ करा जाएगा इटैची के द्वारा। यहाँ पर बात करें इटैची भी स्मार्ट से कंप्लीटली यहाँ पर फिनिश ऑफ हो चुके हैं। बट नाउ दिस टाइम टीम माया गेमिंग टेडी ओपी की बात कर ली जाए, नाउ दिस टाइम इट्स गोइंग टू बी एन 2v2v1। बट आई थिंक सो जाते जाते ना टीम माया गेमिंग के प्लेयर्स का गेम बिगाड़ जरूर सकते हैं, बट जी नहीं, अब ये जो सिनेरियो है 2v2 का बन चुका है। और फिलहाल एक ही मोलोटोव, एक जंप मोलोटोव से बच जाएगी। एंड आई थिंक सो ट्राइंग टू प्रेशर रैंक फ्रॉम द थ्रूस थ्रेबल्स एंड इफ ग्रेनेड्स इफ थ्रेबल्स मेक सम कनेक्शन देन आई एम डेफिनेटली श्योर टीम माया गेमिंग इन टू बी एंड ट्रबल राइट नाउ। ओह माय गॉड, माया गेमिंग एक गोल्डन एज में सर्वाइव कर रहा है, बट EXR बहुत की तरफ से यहां पर बात के लिए कुछ ऑन पॉइंट एम 249 इस पर जाएंगे। बट उतना ही बढ़िया यहां पर ट्रांस की तरफ से 111 ट्रेंड देखने को मिलेगा। बट इन द एंड माया गेमिंग कमिंग विद अ ग्रेट विनर विनर चिकन डिनर एंड आई कैन नॉट बिलीव व्हाट ही इज डूइंग राइट नाउ। अपनी टीम के लिए यहां पर एक बेहतरीन विनर विनर चिकन डिनर जो यहां पर निकाला है एंड इन द एंड 1v1 ट्रेड देखने को मिला। पहले यहां पर सोसी ने यहां पर टेक डाउन करा बॉट को, उसके बाद यहां पर माया गेमिंग बेहतरीन तरीके से यहां पर जो कमबैक है यहां पर आया और कमिंग विद सम ब्यूटीफुल 8 फिनिशर्स इन हिज बैग्स। और ये था गाइस मेरा मार का मैच जहां पर हमको बैक टू बैक एक्शंस देखने को मिलते हैं। पहले लोल्स एंड क्रॉन्टन का एक डिस्ट्रक्टिव डुओ देखने को मिला, बेहतरीन तरीके से यहाँ पर जो फाइट्स में कम बैक कर रहे थे। बट अनफॉर्चुनेटली जोन उनसे बहुत ज्यादा दूर था और जोन के अंदर गए लोल्स ने बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीके से ट्राई हार्ड करा बट वो फिनिश ऑफ हो गए। बट बात करें टीम डोमिनिक के प्लेयर्स की, इस मैच में भी थोड़ा सा जो डोमिनेशन है वो दिखाना चाहते थे बट अब यस मैच में पर हैशटैग 6 के साथ जो फिनिश ऑफ है अब देखने को मिलेगा। एंड टीम अश्रविक गेमिंग की बात कर लीजिए, हैशटैग 2 यहाँ पर फिनिश ऑफ कराया, टोटल यहाँ पर 9 फिनिशर्स है। तो चलिए गाइस लेते हैं फिलहाल अभी के लिए एक छोटा सा ब्रेक, मिलेंगे आपको छोटे से ब्रेक के उस पार विद द बिगनिंग ऑफ द न्यू मैच की तरफ। एंड तब तक के लिए गाइस कहीं मत जाइए, देखते रहिए DN4 स्पोर्ट्स। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, मिलेंगे आपको गाइस छोटे से ब्रेक के उस पार विद द बिगनिंग ऑफ द न्यू मैच की तरफ एंड द लास्ट मैच ऑफ दिस डे की तरफ। यार We'll be right back.
तो देवी और सज्जनों स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से बात कर लीजिए। DN4 Esports presents YouTubers Battle Blazing Cup Season 2 50,000 rupees का गाइस एक मैसिव प्राइस पूल रहेगा। सीजन 1 हम सब ने यहाँ पर विटनेस करा था, क्या बेहतरीन नाटक। बात कर ली जाए अगर गाइस यहाँ पर सीजन 2 की, तो कंप्लीटली आज के डे का गाइस ये फर्स्ट डे का यूट्यूबर्स बैटल का थर्ड मैच रहेगा। एंड कल भी कुछ ऐसे इसी टाइम पर आपको जो टीम्स है खेलते हुए नजर आने वाली है। तो लेट्स सी, पहले दो मैचेस हम लोगों ने यहाँ पर विटनेस करे कितना ज्यादा बेहतरीन तरीके से यहाँ पर जो टीम्स है खेलती हुई नजर आई है। गाइस इन दैट देखते हैं, अंत भला तो जैसे बोलते हैं सब भला, कि इस मैच में कौन सी चीज जो है अंत यहाँ पर बेहतरीन करेगी। टीम बी आई के प्लेयर्स यहाँ पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, DN4X इटैची भी अभी के लिए हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। सभी प्लेयर्स यहाँ पर ऑन पॉइंट यहाँ पर ज्वाइन दिखाई दे रहे हैं। अगर बात करी जाए टीम DN4 के, इटैची फटाफट से इधर आ जाए अपनी प्लेयर्स में, सो आई थिंक सो मैच यहाँ पर किसी भी शर्ट जो है स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी टाइम जो दिया गया था वो ऑलरेडी यहाँ पर अप हो चुका है। सो आई थिंक सो 1 या 2 मिनट यहाँ पर वेट करा जाएगा। बट सैनोक का मैप है, हम सब जानते हैं कि इंटरेस्टिंग मैप देखने को मिलेगा, बट थोड़ा सा यहाँ पर अगर आपको मीरामार में ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए रहता है तो इधर आपको MBBS की डिग्री जो है ना कंपलसरी रहने वाली है। हमको ऐसे बहुत से प्लेयर्स जो अभी यहाँ पर विटनेस करने को मिल सकते हैं जो हील बैटल के लिए जाएंगे। कौन सी वो टीम होगी जो हील बैटल करेगी और इन नाइट यहाँ पर जो फाइनल लाफ है लेगी। बट फिलहाल में अभी के लिए कंप्लीटली यहाँ पर बात करें, यहाँ पर जो टीम से फटाफट से आप गाइस ज्वाइन आउट कर चुके हैं, जो भी देखिए आपकी फेवरेट टीम हो कैन वी सब रेड हॉट्स स्पैम इन द चैट सेक्शन। गाइस फटाफट से जाइए रेड हॉट्स यहाँ पर स्पैम कर दीजिए एंड बेहतरीन तरीके से अपनी जो फेवरेट टीम को आप उसको सपोर्ट कर सकते हैं। लव फ्रॉम माया राघव भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम। अमन लाज LSTOP भाई, देखो सभी टीम्स ओपी है। टीम माया के प्लेयर्स से लास्ट मैच में जिस तरीके से गेम प्ले दिखाया है, दिस टीम इज लुकिंग सुपर ब्राइट। अगर बात कर ली जाए देखिए बेहतरीन टीम सभी है, सबके अप्स एंड डाउन भी आते हैं, सबके राइज भी होते हैं, कभी आप परेशान भी हो जाते हैं जब चिकन से निकलते हैं। बट हर टीम को अपने बेसिक स्ट्रेटजीज पर रिलाई करना चाहिए। मैं समझता हूँ अगर आप एक प्लानिंग के साथ जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो तो आप बहुत जल्दी जो सक्सेस है हो सकते हो, लेकिन अगर आप 10 स्ट्रेटजीज के साथ एक ही मैच में ट्राई आउट करोगे तो वो थोड़ा सा बेटर रिजल्ट्स आपको नहीं दिखा पाएगी। जी हाँ, बिल्कुल प्लान वन और प्लान बी रहना चाहिए, लेकिन स्ट्रेटजी प्लान वन प्लान बी भी ये रहनी चाहिए। अगर आप कभी आउट ऑफ बट हो जाते हो तो थोड़ा सा पैसिव अप्रोच अपनाना पड़ेगा। हर कोई टीम यहाँ पर अपनाती है तो वो एक फॉर्मल सी बात है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने अपनी स्ट्रेटजी चेंज आउट कर दी, नेक्स्ट मैच में आए आप फिर से अपनी बेहतरीन तरीके से फोर मैसेज के साथ खेलेंगे, आज नहीं तो कल सक्सेस यहाँ पर मिलेगी मिलेगी। एंड गाइस लव फ्रॉम माया मीरामार चिकन, बिल्कुल भाई बिल्कुल 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 भाई मीरामार चिकन आया था। और बात कर ली जाए बिल्कुल साइस माया ओपी चैट सेक्शन में आप चलते रहना चाहिए। एंड गाइस अगर आप लोगों को कास्टिंग अच्छी लगी हो तो आप लोग एक बार हमारे हमें भी चेकआउट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, कुछ अपने इंपॉर्टेंट फीडबैक जो है प्रोवाइड करवा सकते हो कहीं ना कहीं। एंड आपको कुछ नहीं करना है, कास्टर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कास्टर्स इंस्टा मिल जाएगा, कास्टर्स इन्फो में आपको मेरा इंस्टा हैंडल मिल जाएगा। आप लोग उधर कुछ जाके कीमती फीडबैक प्रोवाइड करवा सकते हो कि आपको कास्टिंग कैसी लगी और मैं कहाँ पे सुधार करूँ या फिर बिल्कुल ऑल राइट है। आपका छोटा सा फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन रहेगा। सो आई होप कि आप लोग हमको भी इंस्टाग्राम पे आकर जरूर ज्वाइन करेंगे और हमें भी अपना प्यार भरा जो सपोर्ट है आप जो शुरुआत से देते आए हो आप देते रहोगे। बट टीम माला वाइटी की बात करें
सिंह मयंक, क्रेक्सी एंड थंडर स्टिल अभी भी यहाँ पर जो है खेलते हुए नजर आएंगे। टीम बाला भाई की तरफ से बेहतरीन तरीके से ये जो टीम है ना फाइट्स में यहाँ पर अपना जो इनिशिएशन यहाँ पर दिखा दी। टीम डीएन फो के भी प्लेयर्स यहाँ पर आ चुके हैं। शुरुआत देखिए हर दोनों मैच में इनको यहाँ पर बेहतरीन मिली है। लास्ट मैच में तो इवन #3 या #4 इन्होंने फिनिश ऑफ करा था, बट #1 बहुत अभी भी बहुत सी ऐसी टीम्स होंगी जो यहाँ पर बात कर ली जाए, यहाँ पर बात करें बहुत सी ऐसी टीम्स होंगी जिनको अभी भी विनर विनर चिकन डिनर की जो भूख है वो अभी भी यहाँ पर चाहिए। बिल्कुल यहाँ पर विनर विनर चिकन डिनर चाहिए, वो जो #1 एक किसी टूर्नामेंट में चाहिए जहाँ पर बहुत बड़ी बड़े इन्वाइटेड टीम्स एंड लाइक यूट्यूबर्स बैटल्स ऑर्गेनाइजेशन फेज सब कुछ हुआ। जब वहाँ पर आप #1 प्राप्त करते हो ना तो जरूर कहीं ना कहीं आपका भी नाम लहराता है, आपका भी परचम है आएगा और लोग भी आपको जानेंगे। इसीलिए बोलते हैं कि आप अपनी स्ट्रेटजीज के ऊपर जो काम है हमेशा करते रहो एंड बी पॉजिटिव। आज नहीं तो गर्ल्स आज नहीं तो कल तो रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे भाई। ओपी कास्टिंग भाई, लव फ्रॉम माया अरबाज। ओपी गाइस थैंक यू सो मच यार अरबाज भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम यार मेरे भाई। माया को दिखा दो भाई, भाई देखो ना माया गेमिंग बॉट ई आर आर एक्स बॉट यूट्यूब बॉन बॉट एंड INC गॉबलिन अभी यहाँ पर खेल रहे हैं। मैच स्टार्ट कर दो मेरे दोस्त, मैं नहीं कर सकता यार, आई एम कैन नॉट अ रूम मेकर एंड मैं भी आपकी तरह कास्टर ही हूँ। देखिए रूम इनका है XPO क्यूरेटर का और DN4 ई स्पोर्ट्स वालों ने इनके साथ बात करी होगी, उनके पास पड़ा होगा तो बन जा रहा है रूम। अगर बात करें क्या यहाँ पर बिल्कुल 0.9 है देखिए प्ले जोन शिंग, सो आई थिंक सो आई एम डेफिनेटली श्योर यहाँ पर तो हील बैटल फैक्टर्स और कहीं ना कहीं बढ़ जाते हैं और प्लेयर्स को और ज्यादा जो अपनी प्राइमरी लूट को कंप्लीट करने का जो टाइम है यहाँ पर चलते रहे। गाइस देखिए चैट सेक्शन में पॉजिटिविटी यहाँ पर रहनी चाहिए, बिल्कुल मैं समझता हूँ अगर चैट सेक्शन में जितने ज्यादा रेड सर्ट स्पैम होंगे उतना ज्यादा बेहतरीन रहने वाला है सभी के लिए और आप लोग भी देखिए सपोर्ट करते रहिए माया के ऊपर। चलिए इस मैच में यहाँ पर जो सपोर्ट है बहुत ज्यादा टीम माया गेमिंग 11 बट उससे पहले बात करते हैं टीम BIXBM देखने को मिल जाएंगे, ASOP देखने को मिल जाएंगे, ब्लिस YG एंड रेस गेमिंग वाइट स्टेल अभी भी यहाँ पर जो है खेलते हुए नजर आने वाले एंड कौन सी टीम जो है इस मैच में फाइनल लाभ लेगी ये तो अभी के लिए फिलहाल जो जंग है ये जो दंगल है अभी के लिए पर जो चालू होने वाला है इन द 60 seconds एंड लेट्स सी कौन सी टीम जो है इस मैच में अपना जो है ना अपना जो परचम यहाँ पर लड़ाएगी। माया गेमिंग फिलहाल अभी के लिए पर ऑन टू द स्क्रीन है, बॉन बॉट ERX बॉट माया गेमिंग एंड गॉबलिन देखने मिल जाएंगे। बट चलिए यहाँ पर गाइस होती इंतजार की घड़ियां खत्म, सेना का ये मैप रहेगा। आप लोग भी अपनी जो प्रेडिक्शंस है दे दीजिए कमेंट बॉक्स में कि भाई कौन सी जो टीम है इन द एंड इस मैच में फाइनल लाफ। लेकिन गाइस फटाफट से आइए जो भी आपकी फेवरेट टीम है जो भी आपको लगता है इस मैच में विनर विनर चिकन डिनर लेने वाली है चैट बॉक्स में रेड हर्ट्स के साथ जो स्पैम है जारी रहना चाहिए। बट अगर बात कर ली जाए कंप्लीटली फ्लाइंग पाथ की कैंप चार्ली के रीजन की तरफ से यहाँ पर ये जो फ्लाइंग पाथ आपके लिए स्टार्ट होगा पाइनान क्वेरी बूट कैंप पैराडाइज रिसोर्ट टेक मॉक एट द इंडिया पर खाओगे रीजन की तरफ जो है फिनिश ऑफ होता हुआ नजर आएगा। एंड BM अभी के लिए पर रहेंगे स्प्लेन के पायलट और अभी के लिए जो जंप आउट है आ चुकी है एंड आई थिंक सो बूट कैंप या फिर थोड़ा सा पैराडाइज रिसोर्ट के रीजन की तरफ जहाँ पर मल्टीपल नंबर ऑफ टीम्स यहाँ पर जो है रोटेशंस करना चाहेंगी। बट अगर बात कर ली जाए टीम UKB के स्पिरिट्स देखने को मिल जाएंगे, टूथलेस OZ एंड ZLOS देखने को मिल जाने वाले स्टिल अभी भी पैराडाइज रिजॉर्ट्स के थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स के रीजन में। बट आई वुड से कि पैराडाइज रिजॉर्ट यहाँ पर एक ऐसा रीजन रहता है जहाँ पर आपको भैया उतरते ही यहाँ पर जो पैटर्न है देखने को मिल जाएगा। टीम BIX के प्लेस YT अपने आप को उतरते ही यहाँ पर जो है टेक डाउन करवा चुके हैं एंड दिखती दिखती कातिल ने मेन वाले यहाँ पर बात कर लीजिए कातिल के शॉट ओपी ने कुछ कातिल शॉट लिए और अपनी टीम में कुछ बेहतरीन तरीके से जो फिनिशर्स सिक्योर कर जाएंगे। बट इन द इनिशियल फेज ऑफ द मैचेस में गाइड जो ग्लिचेस है देखने को मिलते हैं वो फिलहाल अभी के लिए पर हम लोग यहां पर फेस आउट कर रहे हैं वो कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स एंड आई होप सो कि आप गाइस फटाफट से सही हो जाए।
एमओपी गाइस बिल्कुल यहाँ पर गाइस सभी ओपी है बढ़ रहे हैं। यहाँ पर एक बार ले चलते हैं गाइस यहाँ पर चीम माया गेमिंग के प्लेयर्स के ऊपर। फिलहाल अभी यहाँ पर ऑन टू द स्क्रीन यहाँ पर आ चुकी है चीम माया गेमिंग के प्लेयर्स एंड फिलहाल माया गेमिंग ऑन टू द स्क्रीन। बट नाउ दिस टाइम गाइस मैं वापस लेके जाना चाहूंगा एक बार पैराडाइज रिजॉर्ट की तरफ जहाँ पर इग्निटोबिक यहाँ पर टेक डाउन है। फिलहाल यहाँ पर इग्निटोबिक यहाँ पर टेक डाउन होंगे एज वेल एज अभी यहाँ पर टेक डाउन के साथ साथ फिनिश ऑफ भी कर दिए जाने वाले इजी यहाँ पर रहेगा। नहीं डेविल स्टिल अभी भी यहाँ पर जो टीपीपी एंगल्स का इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे। एसओपी की बात कर ले थोड़ा सा हाई ग्राउंड में ऑलरेडी यहाँ पर तैनात है बट टीम कातिल के प्लेयर्स की जो किसी भी क्षण जो मुश्किलात हैं पर बढ़ाई जा सकती है। तो लेट्स सी यहाँ पर कातिल के लिए कितना ज्यादा कठिन रहेगा इस फाइट्स को अपने बैग में एंगेज करना क्योंकि टीम मेगा बॉय गेमिंग के प्लेयर्स ना ऑलरेडी फोर मैन सीनेरियोस के साथ इस मैच में उतरे हैं। कुछ जगह से फिनिशर्स यहाँ पर सिक्योर कर लिए बट यहाँ पर कातिल वोटेक्स के ऊपर जो स्प्रेस है यहाँ पर करे जाएंगे टेक डाउन है हो चुके यहाँ पर वोटेक्स के लिए ओपी को भी आउट टू द सो यहाँ पर टेक डाउन कर दिया जाने वाला है। वन फॉर वन टू अभी यहाँ पर देखने मिलेगा राइनॉक्स के ऊपर एक बेहतरीन तरीके से क्रोन शॉट आएगा और कंप्लीटली यहाँ पर बात कर लीजिए आईओएस के डबल में अभी यहाँ पर बैरल के साथ जो अपनी छाप है छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ डबल तो दूसरी तरफ यहाँ पर केजीएफ अमित यहाँ पर जो है ना रुकने वाला जो नाम है काम है यहाँ पर ले नहीं रहे हैं बिल्कुल यहाँ पर रुकने का जो नाम है यहाँ पर ले नहीं रहे थमने का जो नाम है यहाँ पर नहीं ले रहे। बट डेविल अनफॉर्चुनेटली आप इतना ज्यादा ओपन सीनेरियोस में जाकर अगर भी प्राइम न्यूट को कंप्लीट आउट करोगे तो मुश्किल आपकी तो भैया बिल्कुल बढ़ेगी। फिलहाल यहाँ पर कातिल शॉट ओपी के द्वारा यहाँ पर जो ट्रिबल्स का यहाँ पर प्रयास अभी भी जारी रहेगा बट टीम बी आई के प्रयास ऑन टू द सेट यहाँ पर किसी भी टाइम जो रशन करने की जो मंशा यहाँ पर जता सकते हैं। एंड अमित के ऊपर यहाँ पर मैं समझता हूँ इट्स लुक लाइक सेम एज एंड पूरी की पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अब यहाँ पर अमित के ऊपर आ चुकी है। अमित यहाँ से चाहते हैं बैट को डिसएंगेज करना बट टीम बी आई के प्लेयर्स कोई भी मौका जो है देंगे नहीं अमित को भी टेक डाउन करा जाएगा। डेविल अब यहां से एक गोल्डन एचपी में यहां पर सर्वाइवल करना है टीम बी आई एक्स एस ओपी। इस प्लेयर ने यहां पर एस नहीं बोलेंगे कॉन्कर वाला जो गेम प्ले यहां पर दिखाया पर टीम बी आई के प्लेयर्स भी बहुत जल्दी यहां पर एलिमिनेट यहां पर होना चालू हो चुके हैं। एस ओपी को तो यहां पर फिनिश ऑफ करा जाएगा बी आई एक्स बी एम के प्लेयर्स यहां पर टीम बी आई कंप्लीटली वाइपर फ्रॉम दिस मैच और कुछ अर्ली एग्जिट यहां पर जो है लिए गए हैं। एंड फिलहाल टीम मेगा बॉय गेमिंग पैराडाइज के रिजॉर्ट की रीजन को अपने नाम करेगी बट फिलहाल जाते जाते तीन प्लेयर्स का जो नुकसान है ना इनको भी यहाँ पर अपने बैग में लेना पड़ा है। बिल्कुल यहाँ पर तीन प्लेयर्स का जो नुकसान है खामियाजा यहाँ पर भुगतना पड़ेगा क्योंकि टीम यूकेबी के प्लेयर्स यूबीके के प्लेयर्स यहाँ पर देखिए एक स्मार्ट मूव के साथ टीम INS युवा के प्लेयर्स मालूम है थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स लूटेंगे तब तक वहां पर जो फाइट्स है हल्की हो जाएंगी एक दो के प्लेयर्स यहाँ पर बचेंगे हमारे इवन सिनेरियोस में जो प्लेयर्स है यहाँ पर आ जाएगा। आई थिंक सो दिस टाइम इट्स गोइंग टू बी एन 1v3 और इनके लिए बहुत ज्यादा आराम से बिल्कुल यहाँ पर एक आरामदायक जो सरफेस है यहाँ पर बन चुका है। यहाँ से आराम से फाइट्स यहाँ पर इंगेज करके कुछ क्रूशियल फिनिशर्स जो अपने बैग में सिक्योर कर सकते हैं बट टीम माया गेमिंग की तरफ से माया गेमिंग खुद अभी यहाँ पर टेक डाउन है। आई होप सो कि फटाफट से यहाँ पर जो रिवाइवल यहाँ पर देखने को मिल जाए क्योंकि जितना ज्यादा फाइट्स में इंटरेस्ट बढ़ेगा जितने ज्यादा नॉक्स देखने को मिलेंगे उतना ज्यादा जो इंटरेस्ट है यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा आपको भी और मुझे भी। एंड आई थिंक यहाँ पर बात कर लीजिए गोल्ड स्नक की कंप्लीटली फिलहाल अभी के लिए स्पॉट आउट करने का जो प्रयास यहाँ पर जारी रहेगा बट यहाँ पर बिल्कुल ERXX बॉट को बहुत ज्यादा ऊपर सिनेरियोस में स्पॉट आउट कर लिया गया। अगर एक बेहतरीन स्प्रे आता तो मुश्किल बढ़ सकती है बट माया गेमिंग के पास हील्स नहीं है थोड़ा सा इनको इस चीज को यहाँ पर जो ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये अगर ज्यादा ओपन सिनेरियोस में जाएंगी तो एज वेल एज टेक डाउन के साथ साथ फिनिश ऑफ भी करी जा सकती है। काकाशी के द्वारा कुछ ऑन पॉइंट यहाँ पर जो क्रूशियल रिवाइवल्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं बॉलिटॉक्स का यहाँ पर जो अटेम्प्ट है जारी रहने वाला है। टीम CRX के यतिन वाइटी कंप्लीटली एक क्रिएटिव फ्लैग यहाँ पर जो डालने का प्रयास है जारी रखेंगे बट यहाँ पर यतिन के ऊपर कुछ ऑन पॉइंट स्प्रेस जाएंगे जिसके चलते यहाँ पर थोड़ी सी जो मुश्किल नहीं बहुत ज्यादा यहाँ पर जो मुश्किल है बढ़ी है। टाइगर वाइटी ऑन टू द अदर साइड यहाँ पर टेक डाउन हो चुके हैं। हितन के द्वारा कुछ ऑफ गार्ड एंगल्स यहाँ पर क्रिएट करेगा जॉट कॉमिक यहाँ पर टेक डाउन करा जाएगा हितन यहाँ पर हॉट कॉमिक विद सब ब्यूटीफुल स्पेस विद एन F4 एंड जॉर्ड हैज बी टेकन आउट कंप्लीटली। काकाशी को भी स्पॉट आउट करा गया हितन के द्वारा टेक डाउन और कोई भी चांस नहीं था टीम 4RX के प्लेयर्स के लिए इस फाइट्स को यहां से डिगेज करने का क्योंकि बहुत ज्यादा बिटवीन द वाटर से बिल्कुल एक शीश और के रीजन में बिल्कुल सेंट्रल सिनेरियोस ऑफ द जोन में तैनात दिखाई दे रहे थे। मुश्किलात धीमे धीमे हम सब जानते हैं अगर एक बार कोई टीम आउट नंबर्ड हो जाए ना तो उसकी मुश्किलात कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ सी जाती है।
फिलहाल यहाँ पर रेवन फॉक्स ओपी यहाँ पर टीम बाला वाईटी के प्लेयर्स स्टिल अभी भी यहाँ पर स्मैश यहाँ पर जो सर्वाइवल है यहाँ पर करेंगे, बट टीम वाईटी की बात कर लीजिए कंप्लीटली यहाँ पर टीम बीपीओ गोगो देखने को मिल जाएगा, टॉक्सिक आइजल स्टोन ओपी एंड स्टॉबी स्टिल अभी भी यहाँ पर जो खेलते रह जाएंगे, बट स्टॉबी थोड़ा सा कहीं ना कहीं ए एफ के यहाँ पर तैनात दिखाई दे रहा है, बट टीम एप की बात करी जाए कंप्लीटली यहाँ पर टीम एसरी गेमिंग कंप्लीटली अभी भी यहाँ पर जो देखने को मिल जाएगा, शिद देखने को मिल जाएगा बर्ग से अलोन एंड अमन ओपी स्टिल अभी भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, टीम एच डी आर की तरफ से भी जो प्लेयर्स है एसडीएक्स की तरफ से भी यहाँ पर जो प्लेयर्स है वो टेक डाउन होना चालू हो चुके हैं, तो थोड़ा सा ना टीम बाला वाईटी के प्लेयर्स भी अपने आप को मुश्किलात पे जरूर कहीं ना कहीं पा रहे हैं, एंड फिलहाल क्रेग्जी अभी के लिए अपनी नीस के ऊपर तैनात दिखाई देंगे, आमिल सैम को अभी के लिए स्पॉट आउट करा गया, कनेक्शंस यहां पर 20 पिक्सल्स कहीं ना कहीं आमिल सैम के ऊपर जो है हिट आउट करी जाएगी, इजी यहां पर रहने वाला नहीं है, बयक स्टिल अभी भी यहां पर जो खेलते हुए नजर आने वाले हैं, दोनों तरफ से फ्री फायर से आप जारी रहेंगे, दोनों प्लेयर्स यहां पर कवर से जाके जो फ्री फायर से दे रहे हैं, बट ये स्टैब यहां पर आमिल सैम ने जिस तरीके से फायर्स दी है ना कंप्लीटली एक गोल्डन एचपी भी यहां पर लाके खड़ा कर दिया, बयक को बट हीलिंग बैटल्स यहां पर दोनों तरफ से अपना अप्लाई आउट कर दिया गया, बॉलेट टॉक्स यहां पर करी जाती थी फाइट्स को डील आउट करने के लिए, बट क्रेजी ऑलरेडी यहां पर टेक डाउन है, सो नाउ दिस टाइम इट्स गोइंग टू बी एडवांटेज बहुत ज्यादा क्रूशियल रहेगा, एवल साहब के हाथ में अपन एप टू 49 पूरी तरीके से मुश्किल बढ़ा सकते हैं रिस्क करने के लिए, कंप्लीटली यहां पर जो ये प्लेयर है तैनात रहने वाले, बट फिलहाल दोनों तरफ से अपन ट्रिपल जाएंगे, आई थिंक किसी भी तरह यहां पर एवल साहब रशिट कर सकते हैं अपनी पोजीशंस को चेंज आउट करना स्मार्टली तरीके से, एंड क्रेग्जी इस मैच में ऑलरेडी यहाँ पर जो रिवाइवल मिलना जो है स्टार्ट हो चुका है, बिल्कुल मयंक के द्वारा जो रिवाइवल है एग्जीक्यूट करा जा रहा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवाइवल होगा और एमिल सैम के लिए उतना ही ज्यादा बेहद यहाँ पर मुश्किल भरा ये जो रिवाइवल है ना हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी अब यहाँ पर जो सीनारियो 1v1 का था अब वो कंप्लीटली 1v2 में यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है, बट इसलिए बोला जाएगा कि क्रेक्सी यहाँ पर कितने ज्यादा क्रूशियल रोल अदा करते थे, टेक डाउन थे, रिवाइवल दिया, और अभी यहाँ पर फिलहाल अपनी टीम के लिए बिग द सेवियर फ्रॉम इस वाला जो रोल है अदा करते हुए नजर आ रही है प्लेयर, एंड एच डी एक्स भी टेक डाउन टीम बाला वाईटी कंप्लीटली एक बैकफुट सीनारियोस में एक एक करके टेक डाउन होते हुए नजर आ रहे हैं, रेजर सुनाओ दिस टाइम आप क्रेग्जी के द्वारा रेजर को स्पॉट आउट करेंगे, हल्के से पिक्सल्स दिखते ही यहाँ पर जो शॉट्स है लिए जाएंगे, इजी रहेगा नहीं, बट उनको भी मालूम है बहुत ज्यादा चतुर चलाक है रेजर कहीं ना कहीं, मालूम है रेजर को भी कि यहाँ पर जो उनकी पोजीशनिंग यहाँ पर रिवील है इजी यहाँ पर नहीं रहने वाला है, माया को दिखा होगा इस चैट सेक्शन में, माया 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 चल रहा है, ओनली एंड ओनली माया यहाँ पर चल रहा है, बट फिलहाल माया यहाँ पर यूट्यूब के बॉट बॉट यहाँ पर टेक डाउन है टीम माया गेमिंग, फिलहाल अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा मुश्किल में अपने आपको पा रही है कंप्लीटली, अब आपको यहाँ से इनसाइड द जोन जो है मूव ऑन करना पड़ेगा, इजी यहाँ पर फिलहाल नहीं रहने वाला, बट कंप्लीटली लुक एट द जोन, अगर चलिए गाइस जोन की एक बात करी जाए एक नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द रीजंस को जो जोन है यहां पर फेवरेट करेगा टीम मैक के प्लेयर्स स्टिल अभी भी यहां पर दिखाई देंगे, गॉर्गन अभी क्लब जो अमृत को है टेक डाउन कर देंगे, लुक एट द पोजीशनिंग ऑफ गॉर्गन की एक हायर ग्राउंड, कितना ज्यादा बड़ा हायर ग्राउंड है, यहां से आराम से जो कंफर्मेशन है वो भी सिक्योर कर रहे हैं, आराम से स्काउट भी कर रहे हैं, और एक एक करके देखिए कंफर्मेशन तो सिक्योर करी जाएगी, अमृत वाईटी का कंफर्मेशन यहाँ पर अपने बैग में ले लेंगे, गेमर वाईटी को भी कंफर्मेशन दिला देंगे, अपने बैग में दो इंपॉर्टेंट फिनिशर्स यहाँ पर अपनी टीम के लिए निकाल के दिए, गौरगर अभी भी यहाँ पर एक हायर ग्राउंड में तैनात है, और अपनी टीम को टीम बीपीओ के प्लेयर्स को मतलब कहीं ना कहीं बोला जगह एक बहुत ज्यादा बेहतरीन पोजिस्टिक्स में यहाँ पर पा रहे होंगे, बढ़िया तरीके से यहाँ पर जो फाइट्स में अपना इनिशिएशन ये टीम दिखाती है ना, मतलब दिल खुश सा हो जाता है, मतलब बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर जो परफॉर्मेंस निकल कर आती है, बट आई वुड से कि टीम DN4 के प्लेयर्स ये टीम ने सिनोनियम्स ऑफ कंसिस्टेंसी यहाँ पर कहीं ना कहीं पेश करी है, और अभी के लिए कंप्लीटली एक सेंट्रल सिनोनियम्स ऑफ द जोन में तैनात ये टीम जो दिखाई दे रही है, आई वुड से आई अभी के लिए पर जो इनको मूव ऑन करने की कोई जरूरत रहने वाली है, बट बयक को भी अनफॉर्चुनेटली इस मैच से बाहर होना पड़ेगा, एंड टीम बाला वाईटी की तरफ से आखिरी उम्मीद अब यहां पर जो
क्रेजी दिखाई दे रहा है। ये एक आखिरी उम्मीद है, सेरॉक के मैप पे प्रो डाउन हो रहा है, बिल्कुल लुत्फ जो है यहाँ पर उठा रहे हैं, बट रेजर यहाँ पर बहुत ज्यादा ऊपर सिरे से मूव ऑन कर रहे हैं। आई थिंक सो क्रेजी यहाँ पर हल्का सा भी स्पॉट आउट करते तो बिल्कुल भी जो परमिशन से यहाँ पर नहीं देने वाले। एंड रेजर भी एकदम आउट सोलो, दिस टाइम यहाँ पर टीम टाइको के प्लेयर्स इस बात से बहुत ज्यादा मुश्किल में पाएगी। मैश इज द आउट सोलो प्लेयर स्टैंडिंग फॉर द टीम राइट नाउ, एंड एक एक करते करते यहाँ पर जो प्लेयर्स है वो टेक डाउन यहाँ पर होते हुए नजर आ रहे हैं। टीम रिप्सी गेमिंग यहाँ पर बहुत ज्यादा मुश्किल में मैच, यहाँ पर रिप्सी गेमिंग की तरफ से एक इकलौता प्लेयर एंड ऑफ द सेम, आई थिंक सो इट्स गोइंग टू बी एन वन वी वन। क्या यहाँ पर एक डायरेक्ट रशिंग के लिए मूव ऑन करेंगे? अगर यहाँ से डायरेक्ट रशिंग के लिए जाते हैं तो वो भी उतना ज्यादा यहाँ पर जो है ना आसान यहाँ पर रहेगा नहीं, बट पहले यहाँ पर सीधा सीधा जा रहे थे, बट अब यहाँ पर एक अट्रैक्टिव माइंड, एक अट्रैक्टिव बिल्कुल यहाँ पर बात कर ली जाए और यहाँ पर एक बढ़िया माइंडसेट करेंगे, नदन पार्ट्स ऑफ द रीजन की तरफ जाएंगे, अब द रिच का इस्तेमाल करेंगे एंड थोड़ा सा क्रिएटिव फ्लैंक डालते हुए क्रेजी को आराम से हार्ड कोर रॉक के पीछे से स्पॉट आउट करके फिनिश ऑफ करा जाने की जो प्रतिक्रिया वो स्टार्ट हो चुकी है। बट फिलहाल शॉर्ट्स यहाँ पर लिखा, बट अब कहीं ना कहीं जो पिक्सल से दिख चुके हैं, बट अब इन्होंने मैश ने भी जो अपनी पोजिशनिंग्स है वो कॉम्प्रोमाइज करवा दी है, एंड मैश एज वेल एज अब आई थिंक सो आपको भी जोन के अंदर जो है मूव ऑन करना पड़ेगा। सेकंड जोन यहाँ पर जो श्रिंक्स है वो स्टार्ट हो चुके हैं, क्रेजी को स्पॉट आउट करा गया, टेक डाउन करा गया, मुश्किल हाट में डाल दिया, नदन पार्ट ऑफ रीजन की तरफ गए, रिच का इस्तेमाल करा, वहां से शॉर्ट्स देकर बताया कि अब मैं यहीं पर हूँ, बट इन द एंड वापस अपनी पोजिशनिंग्स को रिपोजिशन करा और अब यहाँ से जो शॉर्ट्स है वो ऑन पॉइंट यहाँ पर कनेक्ट हुए जनाब। लाल मैश अभी भी यहाँ पर आगे बढ़ेंगे धीमे धीमे करके अपनी टीम के लिए, क्योंकि लौता नाम यहाँ पर जो मैश है निकल के आता है और देखते हैं मैश यहाँ पर इस मैच में यहाँ पर कितनी ज्यादा देर तक सर्वाइवल करने वाले हैं। फिलहाल ही में अभी अगला पर टीम रेवन की अगर बात कर ली जाए, टीम गोस्ट ओपी के प्लेयर्स फिलहाल अभी अगला पर जो रोटेशन है यहाँ पर करते हुए नजर आने वाले, नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द आइलैंड्स की तरफ से जो रोटेशन है वो जाएंगे इजी, यहाँ पर इतना ज्यादा रहेगा नहीं, टीम एमी स्पोर्ट्स के प्लेयर्स रहेंगे। दूसरी तरफ अगर यहाँ पर बात कर ली जाए टीम गनशॉट अभी के लिए फिलहाल यहां पर विटनेस आउट करने को मिल रही है, गन शॉट के प्लेयर्स अभी फिलहाल दिखाई देंगे, अब मैक्स स्टिंग दिखाई देंगे, जी गॉड अभी भी यहाँ पर जो स्टिल यहाँ पर खेलते हुए नजर आने वाले, बट इनके बहुत ज्यादा क्लोजिंग मेसेज यहाँ पर टीम माया गेमिंग के प्लेयर्स, नाउ दिस टाइम आई थिंक सो एकेएम वर्सेस एम4 यहाँ पर एकेएम एंड एम4 के साथ मूव ऑन करा जा रहा है, बट लेवल 1 का हेलमेट है, लेवल 2 की वेस्टर्न डिफेंस थोड़ा सा मजबूत करना पड़ेगा अपना, क्योंकि जो डैमेज बीरिंग कैपेसिटी है इन द लेवल 1 हेलमेट आई थिंक सो बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं कम है एज कंपेयर एज लेवल 2, तो मुश्किल थोड़ी सी बढ़ सकती है अगर आपकी प्रोटेक्शन आपका डिफेंस थोड़ा सा वीक रहेगा तो इट्स माइट बी पॉसिबल कि मुश्किल आइडिया बढ़ जाए, बट यतिन के द्वारा अभी क्लाबा स्टॉमी को टेक डाउन कर दिया जाएगा, एक एक करके जो फाइट्स अभी क्लाबा जो इनिशिएट्स यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है, हर्ट अभी भी यहाँ पर जो देखने को मिल जाएंगे, हितन देखने को मिल जाएंगे, टाइगर देखने को मिल जाएंगे, यतिन एंड हर्ट स्टिल अभी भी यहाँ पर जो सर्वाइवल आउट है करेंगे, एंड आई वुड से कंप्लीटली अब यहाँ से अपनी टीम के लिए किस तरह से जो रोटेशन आउट है यहाँ पर करते हैं, क्योंकि स्टोन ओपी के पास ऑलरेडी यहाँ पर एक बेहतरीन हायर ग्राउंड है, मैं गॉर्गन को देखना चाहता हूँ, इनके पास जो हायर ग्राउंड है कंप्लीटली यहाँ पर ऑन पीक है, बिल्कुल ऑन टॉप अभी यहाँ पर तैनात दिखाई दे रहे हैं सैनॉक के मैप में, ये भैया मीरामार वाला जो फील है कंप्लीटली यहाँ पर ले रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई हम तो मीरामार ही खेल रहे हैं, आप अगर नीचे से ओपन सीनारियोज में रोटेशन करते हो देन आई एम डेफिनेटली श्योर आई विल पिक यू एंड इस मैच से आपको बहुत जल्दी बाहर कर सकते हैं कहीं ना कहीं गॉर्गन। तो एम भाई एम मेरे दोस्त जब यहां पर फाइट्स लेगी ना तभी दिखाएगी ना मेरे दोस्त, सबको यहां पर दिखाया जाएगा आई थिंक सो, अब तो यहां पर एम जो है इतना ज्यादा बची भी है, जी हाँ बिल्कुल अभी ग्लाबर टीम एप के प्लेयर्स अभी भी यहाँ पर खेलते हुए जाएंगे, 4 बस प्लेयर्स के साथ इस मैच में आगे बढ़ रहे हैं, बट फिलहाल ही अभी के लिए जो फाइट्स है इनिशिएट्स यहाँ पर होती हुई जाएगी, हर्ट दिखाई दे गई, या फिर व्हाइट टीम अभी ग्लाबर जो स्टिल है तैनात दिखाई दे रहा है, स्टोन ओपी के द्वारा अभी ग्लाबर जो स्टोन ओपी के ऊपर जो शॉट्स है वो करेक्शंस यहाँ पर करी जाएगी, बट इतना ज्यादा आसान यहाँ पर यतिन के लिए रहने वाला है नहीं कहीं ना कहीं।
बात कर लीजिए यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पर टीम व्हाइट स्टोन, व्हाइट ये एक तरफ, गॉर्गन दूसरी तरफ स्टोन, ये डिफरेंट, ये दो जो प्लेयर है ना अपनी टीम के लिए बिल्कुल एक रीढ़ की हड्डी यहाँ पर बोल सकते हैं, अपनी टीम के लिए एक ढाल है बिल्कुल यहाँ पर बेहतरीन तरीके से यहाँ पर जो फाइट्स अपना जो इनिशिएशन है यहाँ पर दिखाते हैं। बट और टू द अदर साइड यतिर के ऊपर बिल्कुल यहाँ पर अगर ठीक ऊपर की बात कर लीजिए, एक तरफ टॉक्सिक आईजेल है तो बिल्कुल भी डिसंगेज करना चाहते नहीं है, बिल्कुल भी डिसंगेज करके जाने देना चाहते नहीं है। बट यतिन के द्वारा ये जो नॉक निकाला गया है टॉक्सिक को मजबूर करेगा ये नॉक, आप अपनी पोजिस्टिक चेंज करिए एंड रिवाइवल एग्जीक्यूशन के लिए मूव ऑन करिए। और आई एम डेफिनेटली श्योर अगर यहाँ पर टॉक्सिक रिवाइवल के लिए जाते हैं, बट मुझे लग रहा है थोड़ा सा वेट आउट करेंगे, ट्राई हार्ड करेंगे कि यहाँ पर अगर ये मोलोटोव डालते हैं तो अपनी पोजिस्टिंग कॉम्प्रोमाइज करवा लेंगे। सो आई थिंक सो थोड़ा सा अच्छा ये रहेगा कि वेट करें और हट एंड यहाँ पर यतिन का जो बाहर आने का जो इंतजार है, अगर वो जल्दी बाहर आते हैं तो टेक डाउन करके यहाँ पर एक जाए और कन्फर्मेशन लेके फिर रिवाइवल की तरफ यहाँ पर एग्जीक्यूशन यहाँ पर करते हुए नजर आए, क्योंकि अभी के लिए फिलहाल एक ही पोजिशन से यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज सही है। बट गॉर्गन यहाँ पर आ चुके हैं बिल्कुल, इसीलिए यतिन यहाँ पर बात कर लीजिए, आप थोड़ा सा मुश्किल में पाएंगे अपने आप को क्योंकि टॉक्सिक आईजीएल कंप्लीटली फिलहाल अभी के लिए अब तो बैकअप भी आ चुका है एंड स्टोन को आराम से जो रिवाइवल एग्जीक्यूट कर जाएगा यतिन। बट अगर नाउ दिस टाइम अगर यहाँ से हल्का सा भी ऊपर आते हैं आई एम डेफिनेटली श्योर टॉक्सिक आईजीएल विल पनिश है, बिल्कुल यहाँ पर पनिश करेंगे और मुश्किल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जी हाँ बात कर लीजिए अभी बट टॉक्सिक आईजीएल के द्वारा अभी जो फिलहाल यहाँ पर रशीद यहाँ पर करा गया, बट टॉक्सिक आईजीएल को यहाँ पर बिल्कुल बेहतरीन तरीके से यहाँ पर जो जवाब यहाँ पर करा है बिल्कुल जवाब दिया और टेक डाउन यहाँ पर कर दिए जाने वाले गॉर्गन यहाँ पर जो तैनात यहाँ पर तैनात दिखाई देने वाले यतिन के ऊपर जो शॉट से जाएंगे कुछ अच्छे खासे जो पिक्सल से यहाँ पर हिट आउट जरूर गया बट हट वापस से अपने आप को रीबूस्ट करेंगे, वापस से अपने आप को रील करेंगे। एक तरफ यहाँ पर स्टोन अभी पर जो सर्वाइवल आउट कर रहे हैं, दूसरी तरफ अगर यहाँ से बात कर लीजिए गॉर्गन स्टिल अभी भी यहां पर जो सर्वाइवल आउट है करते हुए नजर आएंगे एंड ट्राइंग टू प्रेशर रैंक फ्रॉम दिस ग्रेनेड्स, इफ ग्रेनेड्स मेक सम कनेक्शन आई एम डेफिनेटली श्योर गॉर्गन हैविंग द फाइनल लाफ इन दिस फाइट। बट नॉट दिस टाइम अभी के लिए यहां पर जो कनेक्शंस ओपनिंग है टीम DN4 के प्लस ऑन टू द अदर साइड, अभी का टीम UB के प्लस के साथ जो है टेक डाउन होना चालू हो चुके हैं। बट ये फाइट्स में जो करना पड़ेगा जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि और भी जो टीम्स हैं यहाँ पर आपके बहुत ज्यादा क्लोजिंग विसिनिटीज में आना ऑलरेडी यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। एंड मिलाल मेरी निगाह तो यहाँ पर रहने वाली स्टोन ने आई थिंक तो मुझे लग रहा है बिल्कुल एक अटैकिंग अप्रोच यहाँ पर अपना लिया है माइंडसेट के साथ, यहाँ पर एक अग्रेशन वाले माइंडसेट के साथ यहाँ पर जो है मूव ऑन यहाँ पर कर रहे हैं एक अटैकिंग अप्रोच के साथ इस मैच में आगे बढ़ेंगे। बट हट अपने आपको एक अच्छा खासे कवर में लेकर जाएंगे, कुछ अच्छे खासे कंक्रीट कवर्स में यहाँ पर देखने मिल जाएंगे, व्हीकल आई थिंक यहाँ पर डोर को यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर बस डाउन करके एंड आई थिंक सो ट्राइंग टू दिस ग्रेनेड एंड नाउ दिस टाइम आई थिंक सो इट्स कॉन्वेंट एंड फॉर द हार्ट इफ ग्रेनेड्स मेक सम कनेक्शन एंड हियर इट इज अभी क्लैबर स्टोन ओपी कमिंग विद अ गोल्डन एंड ग्रेनेड। एक तरफ यहाँ पर हार्ट को टेक डाउन जाएगा, दूसरी तरफ यहाँ पर गॉर्गन अपने साथी का जो साथ है बिल्कुल यहाँ पर पैर से पैर कदम से कदम चल के यहाँ पर मिलाएंगे और गॉर्गन ने अभी यहाँ पर एक प्लेयर को टेक डाउन करा और फिनिश ऑफ करा। फिलहाल ये 2v2 की फाइट में बेहतरीन तरीके से यहाँ पर जो डिस्ट्रक्टिव डू है देखने को मिला। अब यहाँ पर मजबूरी में टीम BPO के प्लेयर्स नीचे गए तो ऊपर से प्रेशराइज करने के लिए यहाँ पर टीम हिंद के प्लेयर्स आ चुके हैं, टीम एम के प्लेयर्स भी मुझे यहाँ पर इनके बहुत ज्यादा क्लोजिंग विसिनिटीज में यहाँ पर तैनात दिखाई दे रहा है। और ये जो हायर ग्राउंड वाला जो मैटा चल रहा है ना ये आज से नहीं बहुत पुराना सा मैटा रहता है कि भाई अगर हायर ग्राउंड आपके पास हो क्योंकि मल्टीपल नंबर ऑफ फाइट्स वहां से आप देख सकते हो आराम से जो फिनिशर्स आप वहां से निकाल सकते हो। बट इन द एंड लेट्स सी इटाची कैन ही एबल टू क्लच इट आउट दिस नाउ दिस टाइम यहाँ पर मैक को दिखा दो ब्रो बिल्कुल मेरे दोस्त यहाँ पर टीम मैक के प्लेयर्स के साथ If I'm not wrong, यहाँ पर जो फाइट्स हैं इंगेज यहाँ पर अभी तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ एक सेकंड भाई टीम मैक को ब्रो मैक इस मैच से बाहर हो चुके हैं
क्योंकि उनका स्लॉट नंबर 23 था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी हाँ बिल्कुल मेरे दोस्त, इस मैच से यहाँ पर जो मैक है वो अनफॉर्चुनेटली बाहर हो चुके हैं। एंड रेवन फॉक्स ओपी की अगर बात कर ली जाए, अब यहाँ से टीम रेवन के प्लेयर्स को कंप्लीटली इनसाइड द जोन जो है अब मूव ऑन करना पड़ेगा। टीम घोस्ट ओपी के प्लेयर्स को जोन के अंदर जो है ना मूव ऑन करना पड़ेगा। और अभी के लिए फिलहाल वो जो रेसिंग है चल भी रही है जोन के अंदर जाने के लिए, बट टीम हिंद के प्लेयर्स यहाँ पर कंप्लीटली टीम हिंद अभी भी यहाँ पर इनसाइड द जोन है। बात करेंगे टीम प्रथमेश गेमिंग के प्लेयर्स अभी भी यहाँ पर जो फिलहाल है यहाँ पर इनसाइड द जोन रहने वाले हैं। टीम एम के प्लेयर्स अभी भी यहाँ पर जो फिलहाल है इनसाइड द जोन दिखाई देंगे, बट थोड़ा सा एडजस्ट सीनरीज ऑफ द जोन में अभी यहाँ पर ये जो टीम है ना तैनात दिखाई देगी। और जरूर गोरगोन अपने आप को देख के परेशानी में जरूर पाएंगे कि ये मैच हमारा हो सकता था, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ से फायर कर दिए गए। एंड बिल्कुल बात करी जाए अगर यहाँ पर टीम टाइको के मार्क्स, उससे पहले यहाँ पर जो है विस्गॉट एंड मैक्स स्टिंग यहाँ पर किस तरह से खेलते हैं, इनका भी रोल जो है ना अपनी टीम के लिए पर बहुत ज़्यादा अहम किरदार रोल जो अदा करते हैं। और फिलहाल अभी के लिए मैक्स सिंह भी यहाँ पर खेलते जाएंगे, बट टीम डी एन फो के प्लेयर्स, ई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स यहाँ पर मुश्किल बढ़ाना चालू कर चुके हैं अपने अपोनेंट्स की। एंड टीम एम जी एक्स सेवन एन ए की बात कर ली जाए, डिस्ट्रॉयर ओपी टेक डाउन हो चुके हैं और एक एक करके टीम यूबीएक्स के प्लेयर्स ने कमिंग आउट ऑफ नोवेयर एंड कंप्लीटली आउट ऑफ द सिलेबस यहां पर जो क्वेश्चन है आया, बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि टीम यूबीएक्स के प्लेयर्स जो है टेक डाउन कर देंगे जीलो ओजेड। अभी के यहां पर कंप्लीटली आउट प्ले यहां पर कर जाने वाले हैं टीम यूबी के। क्या अंत बोला तो सब बोला, जैसे कि मैंने बोला था गाइस मैच में एक बेहतरीन अंत के साथ कुछ बेहतरीन फिनिशअप के साथ यहां पर आगे बढ़ेंगे, बट इनके बहुत ज्यादा क्लोजिंग फैसिलिटीज में एनक्लोजर यहां पर आ रहा है। विस गॉड हल्का सा फंस चुके बट बहुत ज्यादा ओपन सेंस जाएंगे, अपनी बॉडी एक्सपोज करवा दिया वन विद रिगाइस सिनेरियो देगा, एक एम के साथ प्री फायर जाएंगे, बट जीलो एलेक्स वंस अगेन M4 के साथ UMP के साथ इस वेपन के ऊपर स्विच करेंगे, M4 को पीछे रखेंगे, UMP के साथ यहां पर जो कंफर्मेशन है यहां पर सिक्योर करी जाएंगे। एंड वंस अगेन जीलो एलेक्स, देखिए जरूरी नहीं रहता कि जिसके पास फिनिशर्स नहीं है उसने कंट्रीब्यूशन नहीं करा, कंट्रीब्यूशन हर एक प्लेयर का रहता है जिसके पास फिनिशर्स हो या फिर मीनवाइल ना हो, क्योंकि जब चार प्लेयर रशिंग करते हैं ना तो उसको भी चार अपोजिशन को चार प्लेयर दिखते हैं, वो चारों के ऊपर कनेक्शन करने का जो ट्राई आउट करता है, तो वो एक प्लेयर जो डैमेज लेता है जिसकी वजह से आपको वो किल मिलता है वो बहुत ज्यादा ईजिली हो जाता है आपके लिए, बट अलोन के द्वारा देखिए क्या बेहतरीन तरीके से बैरल के साथ सिंगल टैप्स करेगा। एंड टीम एम के प्लेयर्स यहाँ पर थोड़ा सा ना अपने आप को मुश्किल में पा रहे हैं, बट ये बैरल के स्प्रे मुझे तो नहीं लगता अलोन को यहाँ पर जो फिनिशर्स है सिक्योर करवा के दे पाएंगे, बट उनके पास और कोई चारा भी नहीं है सिक्स एक्स चलाने का, क्योंकि दूसरे हाथ में बात कर ली जाए एक माइक्रो उजी रहने वाली है। क्या माइक्रो उजी के साथ कुछ बेहतरीन तरीके से यहाँ पर जो इनिशिएट यहाँ पर करते हुए नजर आ पाएंगे, लेट्स सी। फिलहाल देखिए कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। बात करेंगे यहाँ पर टीम रेवन ओपी, टीम घोस्ट ओपी के प्लेयर्स यहाँ पर फटाफट से आपको जोन के अंदर जो है मूव ऑन करना पड़ेगा, बट टीम माया गेमिंग के प्लेयर्स स्टिल अभी भी यहाँ पर जो है खेलते हुए नजर आएंगे। दूसरी तरफ यहाँ पर रेवन अभी भी यहाँ पर जो है खेलते हुए नजर आने वाले हैं। एंड लेट्स सी गाइस 1v3 का ये सिनेरियो रहेगा, कैन ये बल चुकला चेट आउट दिस, आई थिंक सो माया गेमिंग के ऊपर ये ट्रेबल एंड ये मोलोटोव अगर थोड़ा सा और पीछे होता ना आई एम डेफिनेटली श्योर मुश्किल बढ़ जाती, बट बॉट को यहाँ पर टेक डाउन करा गया माया गेमिंग के द्वारा, एक प्लेयर को टेक डाउन कर जाएगा, एम4 विद एन एडीएस यहाँ पर ओपन आउट करेगा 4x के साथ, रेवन एक्सबॉक्स ओपी को टेक डाउन कर देगा, नो वर्ड्स बी अली सॉइंग इन गोल्डन एज, सूर्या पीछे से यहां पर जोन जहां पर प्रेशराइज करेगा, बट वंस अगेन माया गेमिंग वंस अगेन यहां पर बात करेंगे M4 के साथ यहां पर पूरी तरीके से यहां पर धाराशाही कर देंगे अपने अपोनेंट्स को, 1v2 ऑलरेडी यहां पर कर दिया गया है जोन के अंदर, इनको भी मूव ऑन करना है, तीसरे प्लेयर्स को बहुत ज्यादा लो डाउन कर दिया था, बट अलोन यहां पर बात करें टीम एम के प्लेयर्स के लिए कंप्लीटली यहां पर सर्वाइवल करते हुए ये प्लेयर एंड अलोन यहां पर कंप्लीटली अलोनली तरीके से बिल्कुल एक अलोन एक इकलौता प्लेयर यहां पर जो सर्वाइवल कर रहा है और अपने अपोनेंट्स को एक एक करके जो टेक डाउन है करा जा रहा है। रेवन नोवा WNL is the now solo player standing for the team right now, but कितनी ज्यादा देर तक, देखिए जैसा कि मैंने बोला था अगर आपको सहनॉक के मैप में जीतना है तो कहीं ना कहीं वो जो MBBS वाली जो डिग्री है ना वो आपके पास होनी चाहिए, चार फर्स्ट एड से तो एस्ट्रिक्स में बोलूंगा आपका काम जो है चलेगा नहीं, टॉप 6 है इट मैच भी पॉसिबल कि आप अपने आपको टॉप 5 देख पाओ, बट इतना ज्यादा नहीं रहेगा। बट ये देखिए मैक्स आउट अभी के लिए यहाँ पर जो अपनी हीलिंग्स है ना फटाफट से लगाते हुए नजर आ रहे और अपनी हीलिंग्स को बिल्कुल जो मैक्सिमाइज करके रखा हुआ है, बोलेंगे फिनिशेस के साथ नहीं बट लेकिन हम हील्स के साथ जीत सकते हैं इस मैच को। एंड ओ माय गॉड उनके कंपटीशन में रेवन WNL अभी के लिए पर दिखाई देंगे विद एन 21 फर्स्ट एड्स एंड दैट्स इट्स गोइंग टू बी एंड बिल्कुल अगर जोन सेटिंग्स अगर सही से हो तो भैया ये हील बैटल्स नहीं हो सकते।
बट फिलहाल अभी के लिए हील बैटल्स चलेंगे, एमबीबीएस की डिग्री देखते हैं भैया कौन बनेगा लास्ट में एक मेन डॉक्टर और कौन सा जो प्लेयर रहेगा अपनी टीम के लिए बेहतरीन पोजीशनिंग यहाँ पर जो दिलवाने में सक्षम होने वाले हैं। बट आई थिंक सो एस्ट्रिक्स का गेम अब यहाँ पर जो सबसे पहले फिनिश ऑफ हो सकता है क्योंकि लास्ट फर्स्ट स्टिल अभी भी आई थिंक सो इनके पास थोड़ी सी और फर्स्ट गिरी पड़ी होंगी, अगल बगल देख लेते हैं आई थिंक सो क्रेट्स के अंदर और पड़ी है। जी हाँ बिल्कुल और पड़ी है। एस्ट्रिक्स को क्या पिक करने का टाइम मिलेगा ये मुझे देखना है, बहुत ज्यादा क्रूशियल रहेगा। देखिए इनको भी मालूम है कि भाई अब आई थिंक सो थोड़ा सा लग रहा है फर्स्ट एंड मुश्किल आर्ट बढ़ जाएगी, मुश्किल आर्ट बढ़ जाएगी। अपना सामान अपना बैक पैक यहाँ पर खाली कर रहे हैं एंड नाउ दिस टाइम लास्ट सेवन फर्स्ट एड। अब आई थिंक सो जोन की तरफ जो अग्रसर है करेंगे सिक्स जोन यहाँ पर शिंगिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। बट क्या जोन के अंदर जो एंट्रेंस है वो मिलेगी स्प्रिंटिंग करके फर्स्ट एड यहाँ पर जो पॉप आउट है करते हुए नजर आएंगे। बट इस मैच में कंप्लीटली टू फिनिशर्स के साथ इस मैच में आगे बढ़ेंगे। फ्रेगर अभी के अलावा अलोन को टेक डाउन करेंगे एंड अलोन इतनी देर से अपने अपोनेंट्स की जो मुश्किल है ग्राउंड के साथ बढ़ा रहे थे टीम एम के प्लेयर्स नाउ दिस टाइम आई थिंक सो कहीं इनका एलिमिनेशन ना लिखा हो। एंड शिन की बात कर ले फिलहाल यहाँ पर इनसाइड द जोन एंड आई डोंट थिंक सो कितने ज्यादा आसानी से मूव ऑन करेंगे। बट जी नहीं नहीं आउटसाइड ऑफ द जोन हो चुके हैं शिन भी। मूवमेक्स की यहाँ पर बात कर ले अमन ओपी भी स्टिल अभी भी यहाँ पर तैनात दिखाई देंगे बट अपर ग्राउंड के रीजन की तरफ जो शॉर्ट्स लेना है वो बिल्कुल भी ईजी रहता नहीं है। पेन अभी भी आपस चल देखिए तैनात है, अमन को स्पॉट आउट कर चुके हैं। क्या यहां से कुछ बेहतरीन क्लचेस अभी के लिए अपन निकाल के जाएंगे एंड माया बेहतरीन तरीके से यहाँ पर मैं बोलूंगा 1v2 कर रहा था। क्या टीम प्रथमेश गेमिंग के प्लेयर्स इस फाइट्स में जो टेबल टर्न है करने में सक्षम हो पाएंगे। एस्ट्रिक्स यहाँ पर टेक डाउन यहाँ पर फिनिश ऑफ करे जाएंगे एंड हैशटैग फिनिश यहाँ पर जो है हैशटैग 6 अभी के लिए फिनिश ऑफ होगा एस्ट्रिक्स एंड टीम DN4 सुना दिस टाइम इस मैच से कंप्लीटली फिनिश ऑफ। टूथलेस भी फिनिश ऑफ, शिन भी यहाँ पर फिनिश ऑफ हो जाएंगे तो मल्टीपल नंबर ऑफ जो प्लेयर्स यहाँ पर फिनिश ऑफ हो चुके हैं। रेवन नोवा WNL उसमें यहाँ पर भाई मुझे एक परफेक्ट डॉक्टर देखने को मिला, हील बैटल में एक परफेक्ट एग्जीक्यूशन देखने को मिला। I think so, इनके पास 22 थी, एक पर के पास 25 थी, वो कंप्लीटली यहाँ पर जो हिल्स है नहीं अप्लाई आउट कर पाए एंड अनफॉर्चुनेटली इस मैच से फिनिश ऑफ हो गए। बट नाउ दिस टाइम 6 प्लेयर्स टॉप #4 क्या लाने में सक्षम रहेंगे। बट मैं ये क्या देख रहा हूँ XP मैक्स ओ मैक्स आउट अभी भी जी यहाँ पर खेल रहे हैं, मैक्स आउट के पास ही 25 फर्स्ट एड थी। बट If I'm not wrong, यहाँ पर अब इनके पास फर्स्ट एड नहीं है। अपनी बैरल के साथ ये शॉट देख के यहाँ पर बता दिया कि भाई अब इस मैच में हम भी यहाँ पर ज्यादा देर तक जो सर्वाइवल है नहीं करेंगे और #4 के साथ जो संतुष्ट है यहाँ पर रहना पड़ेगा। दो टीम्स ऑलरेडी यहाँ पर इनसाइड द जोन है बट अगर यहाँ से रशिन आता है मुझे लग रहा है ये जो गेम है ना टीम प्रथमेश गेमिंग के बैग में जा सकता है क्योंकि इनके पास कुछ अच्छे खासे हायर ग्राउंड है और हायर ग्राउंड के चलते आपके पास कुछ अच्छे खासे रीजंस रहते हैं आराम से किसी भी एज में यहाँ पर जोन चला जाए तो आराम से ये मूव ऑन कर सकते हैं। बट अमन ओपी एंड मुरेक्स स्टिल अभी भी थोड़ा सा जो होल्ड है वो करना पड़ रहा है, सर्वाइवल मुश्किल हो रहा है। 3v2 की ये फाइट रहेगी, प्ले जोन के साथ जो प्लेयर्स है वो फिनिश ऑफ हो रहे हैं। द जोन शोइंग इट्स कलर्स राइट नाउ एंड नाउ दिस टाइम 8th जोन अभी भी जो श्रिंक्स है वो स्टार्ट हो जाएगा। क्या यहाँ पर प्रथमेश गेमिंग के प्लेयर्स 3-5 फिनिशर्स यहाँ पर सिक्योर कर पाएंगे? आई थिंक सो एक प्लेयर भी सिक्योर करेंगे और एक प्लेयर यहाँ पर जो प्ले जोन के साथ यहाँ पर फिनिश अप यहाँ पर सिक्योर करा लेगा। बट पेन ने अभी के लिए पर अमन को स्पॉट आउट करा है, अच्छा खासा जो डैमेज दिया है। क्या यहाँ से जंप शॉट की जो तैयारी है क्या वो विनिंग जंप्स यहाँ पर आएंगी? बट स्मोक करे जा रहे हैं, स्टन करे जा रहे हैं, मजबूर करा जा रहा है अमन को अपनी पोजिशनिंग को रीपोजिशनिंग करने का, चेंज आउट करने के लिए। बट अमन क्या यहाँ से हिलेंगे डुलेंगे? जी हाँ बिल्कुल, ये स्टन एक ऑन पॉइंट था। अगर ये स्टन की तरफ से अगर ये ट्रेबल आ जाता ना तो मुश्किलात यहाँ पर जनाब बढ़ जाती। बट अमन ओपी अभी यहाँ पर हिंद फ्रैगर को टेक डाउन कर देंगे। अभी ये गलत टाइम पे यहाँ पर ये जो जंप है आ चुकी है क्योंकि आप खुद ऑलरेडी आउटसाइड हो तो दोनों आउट नंबर हो। इनके पास है 10%, इनको यहाँ पर चिंता नहीं है। मुझे लग रहा है पेन की पेन यहाँ पर बढ़ा दी जाएगी एंड अमन ओपी फिलहाल इस फाइट में यहाँ पर एक ये ओवर कॉन्फिडेंस देखने को मिला। यहाँ पर बात कर ली जाए बिना बताए दोनों प्लेयर्स एक डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में यहाँ पर जंप आउट करें और सबसे अच्छी बात ये रहने वाली है ना कि डट कर सामना करा है टीम एम के प्लेयर्स ने, दोनों प्लेयर्स को एक साथ टैकल आउट करा। बट क्रूअल के पास 10 फर्स्ट एड्स हैं, अमन ओपी के पास 0 फर्स्ट एड रहने वाले, मोरेक्स के पास बात कर लीजिए 3 फर्स्ट एड्स रहेंगे और उसमें भी हील बैटल यहाँ पर देखते हैं कौन सा जो प्लेयर है। बट इनके पास इस चीज का एडवांटेज है, हायर ग्राउंड है, जोन के सेंट्रल सीनियर्स होते जाके बैठे हुए हैं एंड आई थिंक सो किसी भी क्षण विनर विनर चिकन डिनर देखने को मिलेगा एंड टीम कमिंग विद अ ग्रेट विनर विनर चिकन डिनर इट्स नन अदर देन द टीम प्रथमेश गेमिंग।
कमिंग विद अ बसम गाइस, ब्यूटीफुल विनर विद अ चिकन डिनर। एंड अगर बात करें टोटल फिनिशर्स की, 3 फिनिशर्स यहां पर रहेंगे, कुछ इतना ज्यादा मैक्सिमाइज नहीं कर पाए, बट इन द एंड यहां पर फाइनल लाफ लिया वो हैशटैग वन जो चाहिए था, 15 सर्वाइविंग पॉइंट्स यहाँ पर वो उनको मिलते हुए नजर आए हैं। एंड टीम एम के प्लेयर्स की बात कर ली जाए, टोटल 10 फिनिशर्स यहाँ पर जो सिक्योर करेंगे। एंड टीम रेवन यहाँ पर टीम घोस्ट ओपी कमिंग विद सम ब्यूटीफुल 4 फिनिशर्स। तो चलिए गाइस, आई होप कि आपको कास्टिंग अच्छी लगी होगी। एंड आज के लिए बस फिलहाल यहाँ पर इतना ही। एंड बात करें बैक टू बैक जो 3 मैचेस हम लोगों ने यहाँ पर विटनेस आउट कर लिए, एंड गाइस हियर इज द कास्टर फॉर द डे। गाइस कास्टर नेम था रशर कास्ट। एंड फिलहाल आप लोग चेकआउट कर सकते हो आपको कास्टिंग कैसी लगी, आप लोग इंस्टा पे एक इंपॉर्टेंट जो अपना फीडबैक है प्रोवाइड करवा सकते हो। एंड आपका सपोर्ट, आपका चेकआउट बहुत ज्यादा मेरे लिए क्रूशियल रहने वाला है। बट फिलहाल करते हैं गाइस GN4 Esports के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा सो कर दीजिए। आज ये गाइस यूट्यूबर्स बैटल फेज 1 का यहाँ पर जो पहला मैच था, पहला दिन यहाँ पर आज समाप्त होता है। कल यहाँ पर गाइस वापस से आएंगे, बैक टू बैक 3 मैचेस रहेंगे। 2 PM ऑनवर्ड्स ज्वाइन करना मत भूलिएगा DN4 Esports को। तो चलिए गाइस करते हैं फिलहाल अभी की स्ट्रीम यहीं पर। तब तक के लिए गाइस सभी लोगों को टाटा बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट एंड साइनिंग आउट।